गाइस दिस इज कपिल का अध्ययन तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर ट्वेल्व एल्डीहाइड किटोन एंड कार्बोक्सलिक एसिड तो प्रॉपर चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे साथ में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहेंगे तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा यदि आप चैनल पर मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट डू मीन बाय कार्बोन ग्रुप क्या होता है कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड इज ए कार्बोनाइल ग्रुप तो जिसके अंदर बेसिकली कार्बन विद ऑक्सीजन क्या होगा डबल बॉन्ड होगा उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे कार्बोनाइल ग्रुप अब इसके अंदर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनाइल ग्रुप्स आर एल डी हाइड एंड किटोन तो इस चैप्टर में हमारे पास बेसिकली यदि बात करते हैं तो कार्बोनाइल ग्रुप कौन कौन से हैं एल डी हाइड एंड किटॉन अब इनका जो बेसिकली हमारे पास जनरल फार्मूला रहेगा दिस कंपाउंड का वो क्या रहने वाला है इन केस ऑफ ए एल डी हाइड आर सी डबल बॉन्ड ओ एच ये हमारे पास एलडीहाइड है यहाँ पर आर की यदि बात करें तो कोई भी एच हो सकता है बेसिकली और कोई भी एल्काइल और एराइल ग्रुप हो सकता है जो हमने प्रीवियस ईयर चैप्टर में किया था ऐसे ही हमारे पास किटोन की यदि बात करते हैं तो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैस दिस इज ए कीटोन अब इसके अंदर आर और आर डैस में भी क्या हो सकता है बेसिकली सेम और डिफरेंट अल्काइल और एराइल ग्रुप अब यहीं पर मैंने एक छोटी सी लाइन को राइट डाउन किया है कि इन केस ऑफ ए एलडीहाइड द कार्बोन ग्रुप इज बॉन्डेड टू ए कार्बन एंड हाइड्रोजन एज सेम एज इट इज इन केस ऑफ ए कीटोन इट इज बॉन्डेड विद ए टू कार्बन एटम अब इसके अंदर जो हमारे पास बेसिकली क्या है कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड किसके साथ बनेगा ऑक्सीजन के साथ और कोई भी दो डिफरेंट क्या होंगे अल्काइल या सेम एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप अब इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड नंबर है वट डू मीन बाई कार्बोक्सलिक एसिड क्या होता है कि द कार्बोनाइल कंपाउंड इन विच द कार्बन ऑफ ए कार्बोनाइल ग्रुप इज बॉन्डेड टू ए कार्बन और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑफ ए हाइड्रोक्साइड मोइटी मोइटी ओ एच ग्रुप हमारे पास बेसिकली आर नोन एज ए कार्बोक्सलिक एसिड अब जो हमारे पास बेसिकली बच्चों कार्बोक्सलिक एसिड का जर्नल फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा आर के ऊपर हमारे पास आर बॉन्डेड विद ए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओ एच तो ये हमारे पास कार्बोक्सलिक और कार्बोक्सलिक यदि सफिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास क्या लगता है ओइक एसिड अब वाइल इन दिस कंपाउंड वेयर द कार्बन इज अटैच टू बेसिकली जो कार्बन अटैच है carbon or hydrogen and nitrogen of a NH2 moiety ए हेलेजन इज कॉल्ड इज एमड एंड एसाइल ग्रुप तो ये हमारे पास सेम एज इट इज एसाइल आइल पड़ा है हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स ऐसे ही हमारे पास एमाइड ग्रुप है आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टूज एमाइड ग्रुप अब हम बेसिकली बात करने वाले हैं नॉमन क्लेक्चर ऑफ एल डी हाइड एंड किटोन तो हमारे पास एल डी हाइड के अंदर सफिक्स क्या लगता है बेसिकली अल और किटॉन की यदि सफिक्स की बात करें तो क्या होगा हमारे पास ऑन अब इस केस के अंदर एल डी हाइड की हमारे पास जो फर्स्ट यहाँ पर आई यू पी एस सी नॉमन क्लेक्चर रहेगा एच सी डबल बॉन्डो एच तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच सी एच ओ अब इसका बेसिकली हमारे पास यदि आई यू पी एस सी क्लेचर की बात करें तो क्या रहेगा कार्बन वन है तो क्या लिखेंगे मिथेनल यदि कॉमन नेम की बात करें यदि कार्बन वन होता है तो उसको हम फॉर्माइल कहते हैं तो हमारे पास फॉर्मेलिटी हाइड बन जाएगा सेकेंड हमारे पास जो नॉर्मन क्लेचर रहेगा सेम एज इट इज ऑफ ए हमारे पास मिथेनल जैसा ही है तो सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड एच या फिर सी एस थ्री सी एच ओ अब इसका जो आई यू पी एस सी नॉमन क्लेचर है हमारे पास कार्बन वन टू तो हम क्या लिखेंगे इसको दिस इज एथेनल एल डी हाइड ग्रुप पड़ा है सी एच ओ ग्रुप तो इथेनल अल लग जाएगा पीछे सेम हमारे पास कॉमन नेम तो मीथ इथ पहले वाले कार्बन को बोलते हैं फॉर्माइल माइल सेकेंड वाले को क्या बोलेंगे एसिटाइल तो हमारे पास क्या बन गया एस्टेल डी हाइड नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर की यदि बात करते हैं तो सी एस थ्री का टवाइस सी एच सी एच ओ अब इसका आई यू पी हमारे पास क्या होगा इस चेन को खोल के लिख लेते हैं तो हमारे पास टू पे क्या होगा मिथाइल और ये क्या बन गया कार्बन वन टू और थ्री दिस इज ए टू मिथाइल प्रोपेनल आपने इस चेन को खोल के करना है सेकंड यदि कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम हमारे पास क्या बनेगा इसके अंदर आइसो नेक्स्ट हमारे पास ऐसा ही फोर नंबर आई यू पी जो कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है तो ये हमारे पास साइक्लो है अभी साइक्लो के अंदर बेसिकली अब सी एच ओ ग्रुप भी है और मिथाइल ग्रुप भी है तो यदि आई यू पी एस सी नेम की बात करें तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे वन टू थ्री तो थ्री में मिथाइल साइक्लोहैगजेन और इसको आप क्या लिखोगे दिस इज ए कार्बेलडी हाइड ये हमारे पास क्या बन जाएगा कार्बेलडीहाइड यदि कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम हमारे पास गामा गामा पे क्या है अल्फ़ा बीटा गामा मिथाइल साइक्लोहैगजेन कार्बेलडीहाइड ये हमारे पास क्या बन गया गामा मिथाइल साइक्लोहैगजेन कार्बेलडीहाइड अब उसके बाद यदि फिफ्थ नंबर की बात करते हैं तो फिफ्थ नंबर हमारे पास सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच ओ अब इसका जो आई यू पी एस सी नॉमन क्लेचर रहेगा देखिए वन टू थ्री तो हम क्या लिखेंगे इसको प्रॉप और टू पे क्या है हमारे पास डबल बॉन्ड तो क्या लगाओगे बच्चों यहाँ पर प्रोप टू इनल डबल बॉन्ड भी है तो इसलिए क्या लगा दोगे इन ई लगा दोगे इन के लिए इनल बन जाएगा यदि कॉमन नेम की बात करें तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा एक्रोलिन बन जाएगा क्लियर हो गया ये नेक्स्ट ये की यदि बात करें नंबर सिक्स की यदि बात करें तो हमारे पास सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एस टू सी एच ओ अब कार्बन हमारे पास यदि बेसिकली बात करें तो कितने हैं पाँच तो इसको आप क्या लिखोगे दिस इज ए पेंटेनल यदि कॉमन नेम की बात करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा वेल well. वेलरेलडी हाइड ये हमारे पास क्या बन गया वेलरेलडी हाइड नेक्स्ट की यदि बात करें सेवन की अब ये काफ़ी कॉमन है बेसिकली काफ़ी रिएक्शंस में यूज होता है बेंजिन के ऊपर सी एच ओ तो हम क्या लिखेंगे वन पे हमारे पास फिनाइल है उसके बाद मिथेनल बन गया यदि कॉमन नेम की बात करें तो हमारे पास क्या है ये दिस इज ए बेंजेलडी हाइड हमारे पास नेक्स्ट वाला एट नंबर सी एच ओ ग्रुप ऊपर भी है सी एच ओ ग्रुप नीचे भी है तो इसका आई यू पी एस सी नॉमन क्लेचर क्या रहेगा हमारे पास बेंजिन वन टू थ्री फोर तो वन फोर्ड क्या बन गया डाई कार्बेल डीहाइड ऐसे ही हमारे पास नंबर नाइन की यदि बात करते हैं बेंजीन के ऊपर सी एच ओ और ओ एच ग्रुप है तो इसका आई यू पी एस क्या रहेगा हमारे पास वन से यहाँ से बेसिकली प्रेफरेंस देंगे तो टू हाइड्रोक्सी दो पे क्या है हाइड्रोक्सी ग्रुप और ये हमारे पास बेंजिलडी हाइड यदि कॉमन नेम की बात करें तो क्या बनेगा हमारे पास दिस इज़ ए सैली सिल्डी हाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली उसके बाद आई यू पी एस करने चलते हैं हम यहाँ पर किटोन के तो किटोन के हमारे पास आई यू पी एस क्या होंगे यहाँ पर सी एस डबल बॉन्ड और सी तो आई यू पी एस सी क्या बनेगा मीत ईथ तो क्या लिखोगे आप बच्चों इसको प्रोफ टू ऑन या फिर कॉमन नेम की बात करें तो दिस इज एससी टॉन ये हमारे पास क्या रहेगा बेसिकली एस सी रहेगा सेकेंड की यदि बात करते हैं बेंजीन के ऊपर सी डबल वंडो सी एस थ्री तो दिस इज द आई यू पी एस सी नेम वन पे हमारे पास क्या है फिनाइल तो दिस इज ए मी तथ इथे नॉन बन जाएगा कॉमन नेम की यदि बात करें तो हमारे पास क्या बनेगा दिस इज एससीटोफिनोन डायरेक्ट ही याद रखना है काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के अंदर यूज किया जाता है नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर की यदि बात करते हैं बेंजीन के ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ सी सिक्स एच फाइव अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे वन पे ही हमारे पास फिनाइल है वन पे ही फिनाइल है तो वन वन डाई फिनाइल क्या बनेगा हमारे पास कार्बन ओनली वन है तो मिथे नॉन यदि कॉमन नेम की बात करें तो हमारे पास क्या बनेगा दिस इज ए बेंजे नॉन बेंजेन का मतलब है इधर भी बेंजिन इधर भी बेंजिन सी के ऊपर डबल बॉन्ड तो दिस इज ए बेंजो बेंजोफिन ये हमारे पास क्या रहेगा बेंजोफिन नेक्स्ट नंबर यदि फोर की बात करें तो बेंजीन के ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ सी एस टू सी एस थ्री तो दिस इज द कॉमन नेम ऑफ ए प्रोपियोफिन ये हमारे पास क्या बन जाएगा प्रोपियोफिन बन जाएगा नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ नंबर है यहाँ पर साइक्लो के ऊपर डबल बोर्ड ओ है यहाँ पर सी एस थ्री तो आई यू पी एस सी क्लेक्चर क्या रहेगा प्रेफरेंस कहाँ से दोगे वन यहाँ से वन टू तो हमारे पास टू पे मिथाइल और ये क्या बन गया साइक्लो हैगजेनॉन यदि कॉमन नेम की बात करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर दिस इज ए अल्फ़ा मिथाइल साइक्लो ऐसे ही हमारे पास सिक्स नंबर है सी एस थ्री का डवाइ सी डबल बॉन्ड सी एच सी ओ सी एस थ्री अब इस केस में यदि बात करते हैं तो हमारे पास बेसिकली प्रेफरेंस कहाँ से दोगे यहाँ पे वन टू थ्री तो ये हमारे पास बेसिकली थ्री है और यहाँ पर ये क्या है फोर फोर पे हमारे पास क्योंकि सी एस थ्री तो टू टाइम्स है तो एक कहाँ पर जाएगा बेसिकली ब्रांच के अंदर तो फोर मिथाइल और कार्बन कितने बने थे पांच तो पेंट थ्री और थ्री पे क्या पड़ा है डबल बॉन्ड तो क्या लगाओगे इन और टू ऑन या फिर इसका कॉमन नेम क्या रहेगा हमारे पास दिस इज ए मेस्टायल ऑक्साइड ये हमारे पास क्या बन जाएगा मेसिटाइल ऑक्साइड नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ ए कार्बोनाइल ग्रुप अब कार्बोन ग्रुप की स्ट्रक्चर कर रहे हैं बेसिकली तो हमारे पास यदि सबसे पहले बात करें बच्चों कि कार्बन विद ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ओनली है तो इसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे तो यदि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो एस पी टू हाबडाइजेशन रहेगी यहाँ पर उसके बाद यदि फर्दर इसको कन्वर्ट करते हैं कि इसके अंदर पाइप बॉन्ड के अंदर तो इस प्रकार की जो ये लोग आपको दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार की स्ट्रक्चर फील करोगे आप तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो यहाँ से कार्बन के पास जो है एंगल कितना बनेगा वन ट्वेंटी डिग्री और कार्बन विद ऑक्सीजन भी कितना बनना है हमारे पास वन ट्वेंटी अभी स्ट्रक्चर के ऊपर कई बार बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके मैंने पॉइंट वन बाय वन सभी नोट किए यहाँ पर देखिए पहला हमारे पास कि कार्बन एस पी टू हाइब्रोडाइजेशन रहेगा जो बॉन्ड एंगल रहेगा वन ट्वेंटी डिग्री का थर्ड हमारे पास इट इज द ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर यदि फोर्थ पॉइंट की बात करें तो कार्बन ऑक्सीजन बेसिकली हमारे पास क्या है डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ ए सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एक बॉन्ड क्या होगा सिग्मा सेकेंड वाला क्या होगा हमारे पास पाई नंबर फाइव की यदि बात करते हैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव कि द बॉन्ड इज ए पोलर ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ऑक्सीजन एटम एज कंपेयर टू द कार्बन तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ए बेसिकली कार्बोनाइल ग्रुप रहेगी नेक्स्ट हमारे पास है प्रपरेशन ऑफ एल डी एंड कीटोन तो ये वाला प्रपरेशन स्टार्ट हो जाती है बेसिकली एल एंड कीटोन की तो फर्स्ट हमारे पास है कि बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ए अल्कोहल ऑक्सीडेशन ऑफ ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल इन दी प्रेजेंस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज करेंगे पोटासियम डाइक्रोमेट उसके बाद हमारे पास एच टू एसओ फोर सल्फ्योरिक एसिड पोटासियम पर मैग्नेट और ये हमारे पास जोनस रेजेंट जिसको हम क्रोमिक एसिड कहते हैं गिव से एल डी हाइड एंड किटोन तो किसकी फॉर्मेशन देगा बेसिकली कीटोन की या फिर एल डी हाइड की तो हमारे पास इसके अंदर क्या है आर सी एस टू -OH ओ एच लेके चले दिस इज़ ए हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल यदि इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफिक के एम एनो फोर तो हमारे पास क्या बनेगा एल्डी हाइड के अंदर डायरेक्ट ही कन्वर्ट होगा जब हम प्राइमरी एल्कोहल लेके चलते हैं यदि हम सेकेंडरी एल्कोहल लेके चलते हैं तो उसमें हमारे पास कीटोन की प्रपरेशन आएगी अब ये रिएक्शन देखिए बेसिकली हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल लेके चले तो सेकेंडरी एल्कोहल में हमने क्या डाला जोन्स रेजेंट अब जैसे ही हम जोन्स रेजेंट डालते हैं तो किसकी फॉर्मेशन आएगी हमारे पास कीटोन की फॉर्मेशन आएगी अब इसके अंदर सेकेंड पॉइंट हमारे पास कि बाय डीहाइड्रो हमारे पास जी ऑफ ए एल्कोहल अब यहाँ पर डीहाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं अल्कोहल की सिंपल सेम रिएक्शन वही है प्राइमरी अल्कोहल लेके चले एल बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल लेके चले तो क्या बनेगा किटोन जो आप ही जस्ट आपने ऊपर किया बस इसमें सिर्फ क्या करना है दिस इज ए कैटलिस्ट को चेंज करना है तो कैटलिस्ट हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर कॉपर टेम्परेचर क्या लोगे 573 सेवनटी थ्री कैलविन तो यहाँ पर आर सी एच टू -OH ओ एच लेके चले तो हमारे पास सी एच ओ एल डी हाइड के अंदर चेंज हो गया सेकेंडरी एल्कोहल लेके चले इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कॉपर 573 सेवेंटी थ्री कैलविन तो हमारे पास किस में चेंज हो गया किटोन के अंदर नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड रिएक्शन है बाय ओजोनोलिसिस ऑफ ए एल्कीन एल्कीन की ओजोनोलिसिस कर रहे हैं डबल बॉन्ड की तो ये हमारे पास क्या है प्रोपीन प्रोपीन के अंदर यदि हम ओजोनोलिसिस कर देते हैं तो डायरेक्ट लिखने का रिएक्शन का तरीका देखना भाई सी एस थ्री एज इट इज लिखा आपने सी एच यहाँ पर लिखा और उसके बाद सी एस टू को कहाँ पर लिखा अदर साइड के अंदर अब इस केस के अंदर ऑक्सीजन कितना था थ्री टाइम्स तो आपने क्या बना दिया बेसिकली यहाँ पर एक इस टाइप से पेंटिन टाइप में बना दिया ऑक्सीजन ऊपर लगाया एक नीचे लगाया और बॉन्ड के साथ जोड़ दिया तो ये हमारे पास क्या बन गया दिस इज एजोनाइड अब यदि इसकी फर्दर रिएक्शन कर देते हैं जिंक और वाटर के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा एक तो ये ग्रुप बन जाएगा सी एस थ्री सी एच ओ एक हमारे पास क्या बनेगा एच सी एच ओ ये हमारे पास और प्लस क्या निकल गया यहाँ से जिंक ऑक्साइड जेड एन ओ निकल जाता है यहाँ से तो ये हमारे पास रहेगी ओजोनोलिसिस ऑफ ए एल्केन सेकेंड हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है एज इट इज़ मैं भी वो करके दिखा देता हूँ आपको हम क्या लेके चले यहाँ पर ब्यूटीन अब इसके अंदर ओजोनोलिसिस की सेकेंडली हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ ए जेड एंड एच टू ओ सेम प्रोसेस आपने जैसे हमने ऊपर जस्ट किया ऐसे ही करना है तो इसमें हमारे पास क्या बनेगा टू ग्रुप ऑफ ए इथेनल प्लस जिंक ऑक्साइड ऐसे ही हमारे पास थर्ड रिएक्शन सेम इसी ग्रुप के अंदर है बेसिकली स्टाइरिन लेके चलते हैं बेंजीन के ऊपर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू किसकी प्रेजेंस में करोगे फर्स्टली ओजोनोलिसिस सेकेंड इन द प्रेजेंस ऑफ ए जिंक एंड वाटर तो हमारे पास क्या बनेगा दिस इज ए बेंजेलडीहाइड प्लस हमारे पास क्या निकलना है यहाँ पर मिथेनल उसके बाद अब यहाँ पर कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं बेसिकली तो कैटलिस्ट देखिए कि जिंक कंबाइन विद हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंड फॉर्म इज ए वाटर एंड जिंक ऑक्साइड कि इन दिस वे वी प्रोवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ एल डीहाइड बाई H2O2 एच टू ओ टू विच इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो सिंपल सा है ये कैटलिस्ट के बारे में बताया गया कि जब जिंक को हम कंबाइन करते हैं किसके साथ हाइड्रोजन परोक्साइड के साथ तो किसकी फॉर्मेशन देगा वाटर प्लस जिंक ऑक्साइड की तो इस केस में हमारे पास जो वी प्रोवेंट हम क्या किससे प्रोवेंशन करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल इस केस में बाय हाइड्रोजन परऑक्साइड विच इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है फोर रिएक्शन की बाय हाइड्रेशन ऑफ ए एल्काइन एल्काइन की हाइड्रेशन कर रहे हैं बेसिकली तो हम यहाँ पर क्या लेके चले दिस इज इथाइन ये हमारे पास है इथाइन यदि इसकी रिएक्शन हम फर्दर बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ ए सल्फ्यूरिक एसिड और मर्करी सल्फेट तो हमारे पास यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा और उसके साथ इस सी एच के साथ हमारे पास बेसिकली क्या जुड़ेगा हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ने वाला है और यहाँ पर इसके साथ बेसिकली इस कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा ओ OH. एच तो इसको हम बेसिकली कौन सी फॉर्म आ गई हमारे पास इनोल दिस इज़ ए इथेनॉल अब इस केस में हमने क्या करनी है टोटोमेरिज्म करनी है मतलब इसका क्या है कि वन थ्री पे हाइड्रोजन को शिफ्ट करना ये हमारे पास जो हाइड्रोजन पड़ा है तो इसको हम शिफ्ट कर देते हैं वन पोजिशन पर हमारे पास क्या बनेगा सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच ओ दिस इज़ ए इथेनॉल तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर इथेनॉल बन गया कि दिस इज ए कमर्शियल मैथड टू परपेयर ए इथेनॉल ये कमर्शियल मैथड है बेसिकली टू परपेयर किसको को प्रपेयर करने के लिए इथेनॉल को ऑल अदर एल्काइन गिव्स इज ए कीटोन जितने भी हमारे पास एल्काइन है वो बेसिकली क्या देते हैं कीटोन देते हैं तो यहाँ पर बेसिकली इस रिएक्शन को भी समझिए आर सीट उसके साथ है ट्रिपल बॉन्ड सी एच तो डायल्यूट डाइल्यूट टू एस ओ फोर और एच जी एस ओ फोर के साथ करते हैं तो इस केस में हमारे पास सेम एज इट इज आपने क्या करना है ओ एच ग्रुप को अटैच कर दोगे इस कार्बन के साथ और यहीं पर हमारे पास ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर क्या आ जाएगा सी एच टू तो किसकी फॉर्म आ गई हमारे पास इनोल फॉर्म अब इस केस में भी टोटोमेरिज्म कर दीजिए वन थ्री पे हाइड्रोजन को शिफ्ट करना है तो हमारे पास क्या आ गया है यहाँ पर कीटोन की फॉर्मेशन आ जाती है नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट होती है परपरेशन ऑफ ए एल्डिहाइड तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन इसके अंदर आपको मिलने वाली हैं तो पहली हमारे पास है फ्राम एसाइल क्लोराइड जिसके अंदर रोजन वन रिडक्शन की आप बात करोगे कि हाइड्रोजीनेशन और एसाइल क्लोराइड और ए प्लेडियम और ए बेरियम सल्फेट टू गिव इज ए एल डी हाइड तो देखो इसमें क्या किसकी बात कर रहे हैं बेसिकली प्लेडियम की बात कर रहे हैं ऑन ए बेरियम सल्फेट बी ए एस ओ फोर अब हमारे पास सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड हो सी एल सो मीथ इथ दिस इज ए सीटाइल क्लोराइड किसकी प्रेजेंस में करनी है आपने हाइड्रोजनेशन करनी है प्रेजेंस ऑफ ए प्लेडियम और बेरियम सल्फेट तो हमारे पास यहाँ से बेसिकली यदि बात करते हैं तो एक हाइड्रोजन किसको रिप्लेस कर देगी सी को तो एच बाहर निकलेगा और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा एच तो मीथ इथ क्या लिखेंगे आप इसको दिस इज एस टेल नेक्स्ट हमारे पास यदि बेंजाइल ग्रुप की बात करें तो इसके इसके अंदर क्या लेके चले हम बेंजोइल क्लोराइड लेके चले बेंज के ऊपर सी डबल बॉन्ड हो सी अब हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ए प्लेडियम बेरियम सल्फेट तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ से एच और सी एल तो ये हमारे पास एच सी एल निकल गया और यहाँ पर एक एच रह गया हमारे पास दिस इज ए बेंजेल डी हाइट तो कौन सा ग्रुप आ जाएगा बेंजीन के ऊपर सी एच ओ तो उसको आप क्या बोलोगे बेंजेलडी हाइट यदि इस रिएक्शन की आप बात करते हो तो इन दिस रिएक्शन सल्फर जो एक्ट है बेसिकली वो किसकी तरह एक्ट करेगा पॉइजन की तरह नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड रिएक्शन है तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक्स बता देता हूँ एन ए आर डब्ल्यू एल नरवाल हमारे पास इसका मीनिंग क्या है एन का मतलब हमारे पास नाइट्राइल्स आर का मतलब हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट डब्ल्यू का मतलब हमारे पास वाटर और ई e एल का मतलब हमारे पास एल्डिहाइड। कि जब हम नाइट्राइल ग्रुप लेके चलते हैं उसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं सेकेंड स्टेप में वाटर डालते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा एल्डिहाइड बनेगा अब इसकी जो रिएक्शन हमारे पास है बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो फर्स्ट हमारे पास है स्टीफन रिएक्शन क्या होती है ये भी नेम रिएक्शन है इसको स्टीफन रिडक्शन भी कहते हैं तो नाइट्राइल लेके चले हमारे पास नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होगा सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन अब इसके अंदर क्या डाल दिया हमने स्टाइनियस क्लोराइड और एच सी एल पार्शियल रिडक्शन कर देते हैं तो पार्शियल रिडक्शन करने से यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड ब्रेक होने से एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास तो हमारे पास सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड एन एच आ जाएगा सो दिस इज ग्रुप इज ए अमाइन इसको हम क्या बोलते हैं इमाइन ग्रुप कहते हैं इसकी यदि फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं एच पॉजिटिव आयंस के साथ या फिर एच थ्री पॉजिटिव आयंस के साथ तो हमारे पास तो क्या बनेगा इस केस के अंदर ये वाला ग्रुप रिप्लेस होगा और यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ जाएगी तो हमारे पास दिस इज एस टी एल डी हाइड एल डी हाइड की फॉर्मेशन आएगी तो ये बेसिकली नेम रिएक्शन तो है ही है और ये कन्वर्जन रिएक्शन भी एग्जाम्स में पूछी जा सकती है कि इथे नाइट्राइल कन्वर्ट इन टू एस टी एल डी हाइड सेकेंड हमारे पास बी रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रिडक्शन विद ए डायबल एच आप सबसे पहले डाइबल के बारे में समझिए डाइबल होता क्या है कि डाइबल एच मीन्स इज ए डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये इसकी फुल फॉर्म है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड अब इसका जो बेसिकली हमारे पास केमिकल फॉर्मूला क्या होगा डायबल एच का कि एल्युमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल का ट्वाइस अब इस केस में इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखा देता हूँ आइसोब्यूटाइल मीन्स क्या होता है बेसिकली सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री और सी एस टू अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि डाइबल एच इज ए सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट ये बेसिकली क्या है सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है एंड रिड्यूस ओनली किस को रिड्यूस करेगा ये ओनली नाइट्राइल और हमारे पास जो एस्टर ग्रुप है उन दोनों को क्या करेगा ये रिड्यूस करके किस में डाल देगा बेसिकली एल के अंदर और ये एग्जाम्पल हमारे पास सामने पड़ा है यहाँ पर देखिए बच्चों कि सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू और सी ट्रिपल बॉन्ड एन तो ये हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप है अब इसके अंदर हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया एल्यूमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल का टवाइस कर दिया सेकेंडली वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया आपने कुछ नहीं करना यहां है यहाँ से सिर्फ इस नाइट्राइल ग्रुप को हटाना है यहाँ से एन को हटाना है और इसके पास क्या लगा देना है सिर्फ ओ एच OH ग्रुप लगा देना है तो हमारे पास क्या बन गया सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी टू और उसके साथ सी के ऊपर डबल बॉन्ड एच तो ये हमारे पास एल डी हाइड की फॉर्मेशन आ जाती है नेक्स्ट हमारे पास है कैन न बीसो रिटर्न लिख सकते हैं सी एस थ्री का टी एच सी एस टू और एल्यूमिनियम बोल सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर एक रिएक्शन है बेसिकली एस्टर के लिए अब ये वाला जो ग्रुप हमारे पास है सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री अब इसके अंदर यदि हम क्या डालते हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम <coughs> हाइड्राइड आइसो ब्यूटाइड डाल देते हैं सेकेंड स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल तो किस में चेंज करेगा डायरेक्ट ही ये एस्टेल्डिहाइड हाइड एल डी हाइड ग्रुप के अंदर चेंज करेगा तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेसिकली डाइबल एच की जिसके अंदर नाइट्राइल ग्रुप बेसिकली किसके अंदर बेसिकली चेंज होता है तो ध्यान रखना बच्चों ये कि हमारे पास नाइट्राइल और एस्टर ग्रुप चेंज हो जाता है एल डी हाइड के अंदर नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वाली कि फ्रॉम ए हाइड्रोकार्बन ये भी नेम रिएक्शन है जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन कहते हैं अब इस केस में फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन टोलिन हमारे पास क्या है बेंजीन के ऊपर सी एस थ्री और ये कन्वर्जन में भी एग्जाम्स में पूछी जाती है टोलिन कन्वर्ट इनटू ए बेंजेल डी हाइड अब इसके अंदर देखो टोलिन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बेंजीन के ऊपर सी एस थ्री इसके अंदर आपने क्या डाल दिया क्रोमाइल क्लोराइड सी आर ओ टू सी एल टू इसको हम क्या बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड इन दी ऑफ ए कार्बन डाइसल्फाइड तो सिर्फ क्या करना है बच्चों यहाँ से आपने एच टू को निकालना है बाकी सेम ग्रुप एज इट इज लगा दीजिए यहाँ पर और एच पी सी के साथ इंक्लूड कर दीजिए और उसका क्या कर दीजिए आप ट्वाइस तो ये हमारे पास क्या बन गया सी एच उसके बाद खोल के लिख देता हूँ मैं इसको ओ सी आर और फिर एक ऑक्सीजन रह गया ओ और यहाँ से हाइड्रोजन निकला था आपका हाइड्रोजन और सी एल टू का कर दीजिए ट्वाइस इसके दो मॉलिक्यूल्स आपने लेके चलना है बेसिकली अब इसकी यदि आप फर्दर क्या कर देते हो हाइड्रोलिसिस कर देते हो एच पॉजिटिव हाइड्रोनियम आइंस की प्रेजेंस में तो हमारे पास क्या बनेगा बेनजेलडी हाइड बेजिन के ऊपर सी एच ओ ग्रुप रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए या फिर आप डायरेक्ट ही कर सकते हो बेसिकली टार्ट रिएक्शन को टोलिन ले लीजिए तो इसके अंदर फर्स्ट स्टेप क्या डालोगे क्रोमाइल क्लोराइड सेकंड स्टेप में हाइड्रोनियम आइंस तो हमारे पास क्या बनेगा डायरेक्ट ही बेनजेलडी हाइड बन जाएगा जो हमारे पास क्रोमाइल क्लोराइड है बेसिकली सी आर टू सी आर ओ टू सी एल टू इसको हम क्या बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड नेक्स्ट रिएक्शन भी हमारे पास इटार्ड रिएक्शन जैसी है बेसिकली इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे क्रोमिक ऑक्साइड अब क्रोमिक ऑक्साइड का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा सी आर ओ थ्री तो टोलिन लिया बच्चों बेसिकली टोलिन क्या होता है बेंजीन के ऊपर सी एस थ्री अब इसके अंदर क्रोमिक एसिड डाल देते हैं सी आर ओ थ्री अब इन भी प्रेजेंस ऑफ ए एसिटिक एन हाइड्राइड सी एस थ्री का ट्वाइस ओ दिस इज एसिटिक एन हाइड्राइड द टेम्परेचर इज ए टू से लेकर टू से टू एटी थ्री कैलविन अब इस में भी क्या लेना है आपने यहाँ से हाइड्रोजन को निकालना H2 को और ये वाला ग्रुप एजिटिज लगा देना आपने तो हमारे पास क्या बनेगा सी एच और उसके साथ ओ सी ओ सी एस का क्या करोगे बेसिकली ट्वाइस कर दोगे अब इस हमारे पास क्या बन गया दिस इज़ ए बेंजाइलेडिन डाई एसीटेट अब इसकी यदि फर्दर रिएक्शन कर देते हो आप इन द प्रेजेंस ऑफ ए हाइड्रोनियम आइंस तो हमारे पास बेसिकली क्या बनने वाला है इसके अंदर बेंजेलडी तो ये ग्रुप रिप्लेस होगा और इसके साथ तो क्या करोगे आप ऑक्सीजन को डाल दोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेंजेलडी नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है कि बाय फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्री रेडिकल के नाम से एग्जाम्स में पूछी जाती है या फिर एलोजिनेशन टोलिन लिया बेसिकली टोलिन बेंजिन के ऊपर सी एस थ्री इन दी प्रेजेंस ऑफ ए क्लोरिनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उसके साथ क्या आ जाएगा यहाँ पर सी एल टू तो हमारे पास क्या बन गया बेंजल क्लोराइड यदि इसको हम वाटर की प्रेजेंस में करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा बेंजेल डी हाइड क्योंकि ये सारी प्रोपरेशन एल डी हाइड की कर रहे हैं उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नेम रिएक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम्स के लिए बाय गैटरमैन कोच रिएक्शन बेंजीन कन्वर्ट इन टू सिर्फ किसकी प्रेजेंस में करनी है आपने यहाँ पर कार्बन मोनोक्साइड एच सी एल इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस हाइड्रस एल सी एल थ्री या फिर क्यूप्रस क्लोराइड तो बेंजीन से किस में कन्वर्ट कर दिया डायरेक्ट ही बेंजेलडी के अंदर तो नेम रिएक्शन इज ए गैटरमैन कोच रिएक्शन नेक्स्ट हमारे पास है प्रपरेशन ऑफ ए कीटोन अब ये कीटोन की प्रपरेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है बेसिकली तो पहला हमारे पास है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड अब इस केस में कि फ्रॉम एसाइल क्लोराइड बाय रिएक्टिंग विद किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं बेसिकली डाई एलकाइल कैडमियम डाई एल्काइल कैडमियम का फार्मूला हमारे पास क्या रहेगा सी एस थ्री का ट्वाइस और सी डी अब इस केस में एसिटाइल क्लोराइड लेके चलते हैं सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड और सी एल टू टाइम्स है अब इस केस में से कैडमियम क्लोराइड तो बाहर निकल जाएगा बाकी ग्रुप हमारे पास बेसिकली क्या बनेगा टू सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड हो सी एस थ्री तो एसीटोन हमारे पास इस केस के अंदर फॉर्मेशन आ जाती है अब इसी केस के अंदर समझिए बच्चों आप बेसिकली कि डाई एलकाइल कैडमियम इज परपेड बाय द रिएक्शन ऑफ ए ग्रीग नार्ड रेजेंट विद किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं कैडमियम क्लोराइड के साथ तो हमारे पास टू सी एस थ्री एम जी सी एल लेके चले अब इसमें कैडमियम क्लोराइड यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा सी एस थ्री का टवाइस और कैडमियम प्लस क्या निकल जाएगा यहाँ से एम जी सी एल टू टू मोलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकल जाते हैं तो ये परपरेशन पहली हमारे पास बेसिकली किसके लिए थी यहाँ पर एसाइल क्लोराइड के साथ अब नेक्स्ट सेकंड वाली हमारे पास है प्रपरेशन फ्रॉम ए ग्रीगनाड रीजेंट और ग्रीगनाड रेजेंट ऑलरेडी आप जानते ही है आर एम जी एक्स और यहाँ पर भी मैंने आपके लिए एक ट्रिक्स बनाई है बेसिकली तो इस ट्रिक्स को समझिए सी हमारे पास साइनाइड प्लस डब्ल्यू हमारे पास वाटर जी हमारे पास ग्रिगनाड रेजेंट यदि तीनों को इकट्ठा कर देते हैं तो किसकी फॉर्मेशन आ जाती है किटोन की अब हम यहाँ पर क्या लेके चले बेसिकली दिस इज ए नाइट्राइल ग्रुप हमारे पास साइनाइड है यहाँ पर सी एस थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड एन तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या डाला इसके अंदर ग्रिगनाड रेजेंट बेंजीन के ऊपर एम जी बी आर सेकेंड स्टेप में हमने क्या डाल दिया वाटर मॉलिक्यूल तो हमारे पास क्या बनेगा बेंजीन के ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ से सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री आ जाएगा तो किसकी फॉर्मेशन आ गई यहाँ पर बेसिकली एसिटोफिन की फॉर्मेशन यहाँ से हमारे पास आ जाती है थर्ड रिएक्शन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस चैप्टर के अंदर इसके अंदर हम फॉर्माइल क्लोराइड भी डाल सकते हैं इसके अंदर हम एसिटाइल क्लोराइड भी डाल सकते हैं इसके अंदर हम बेंजाइल क्लोराइड भी डाल सकते हैं तो किसी की भी प्रेजेंस के अंदर बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछी जा सकती है कैटलिस्ट क्या यूज़ करोगे आप एनहाइड्रस एफ यूज कर लीजिए या फिर एनहाइड्रस एल तो बेंजीन हमने क्या लेके चले एच सी डबल बॉन्डो सी एल अब इस केस में डायरेक्ट ही क्या बनेगा हमारे पास फर्स्ट के अंदर बेंजेलडी हाइड यदि हम इसको एसिटाइल क्लोराइड के साथ यूज़ करते हैं तो हमारे पास कीटोन की फॉर्मेशन आएगी बेंजीन के साथ सी डबल बोंडो सी एस थ्री दिस इज एसिटोफिन यदि हम इसको बेसिकली किसकी प्रेजेंस में करते हैं यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड की तो हमारे पास क्या बनेगा बेंजोफिन बेंजीन के ऊपर सी डबल बोंडो सी सिक्स एच फाइव तो ये फ्रीडल क्राफ्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम्स के लिए अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी ये फिजिकल प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है तो हमारे पास फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि द बोलिंग पॉइंट ऑफ ए कार्बोन कंपाउंड इज हायर देन ऑफ ए हाइड्रोकार्बन बिकॉज कार्बोनाइल कंपाउंड इन्वॉल्व इन ए स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन बट हाइड्रोकार्बन इन्वॉल्व इन ए वीक वंडर वाल इंट्रैक्शन तो देखिए पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि द बोलिंग पॉइंट ऑफ ए कार्बोनाइल कंपाउंड जो बोलिंग पॉइंट है बेसिकली कार्बोनाइल कंपाउंड का वो हाइयर होता है देन किससे बेसिकली हाइड्रोकार्बन से, basically hydrocarbon से. बिकॉज कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर बेसिकली क्या होती है स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन बट इन केस ऑफ ए हाइड्रोकार्बन इसमें क्या होती है वीक वंडरवाल इंट्रैक्शन होगी सेकेंड हमारे पास है बोलिंग पॉइंट ऑफ ए कार्बोनाइल कंपाउंड आर हाइयर देन जो बोलिंग पॉइंट होगा कार्बोनाइल कंपाउंड का वो बेसिकली हाइर है किससे इधर से अब रीजन क्या दोगे इसका बिकोज डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ऑफ ए कार्बोनाइल क्योंकि कार्बोनाइल के किस में क्या होती है बेसिकली डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होती है एंड कंपाउंड एज ए स्ट्रोंगर देन ऑफ ए ईथर ईथर के केस में भी क्या होती है हमारे पास डाइपोल डाइपोल बट इन केस ऑफ ए कंपेरिजन यदि करते हैं तो कार्बोनाइल के केस में क्या होती है स्ट्रोंग डाइपोल डाइपोल इंट्रेक्शन होगी बट ईथर के केस में भी क्या होगी बेसिकली वीक डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगी नेक्स्ट हमारे पास यदि थर्ड पॉइंट की बात करें कि द बोलिंग पॉइंट ऑफ एल डी हाइड एंड कीटोन इज लेस देन कंपेयर टू द एल्कोहल एंड कार्बोक्सलिक एसिड जो हमारे पास बोलिंग पॉइंट है किसका एल और कीटोन का इज लेस देन कंपेयर टू द एल्कोहल एंड कार्बोक्सलिक एसिड वो कम होगा किससे एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से रीजन क्या दोगे बिकॉज दीज मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व ए स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग इनके अंदर क्या होती है बेसिकली एच बॉन्डिंग होगी कार्बोक्सिलिक और एल्कोहल के अंदर बट जो कार्बोन आइल कंपाउंड है उसके अंदर बेसिकली क्या होगी वीक डाइपोल डाइपोल इंट्रेक्शन्स होंगी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फोर पॉइंट कि लोअर मेंबर ऑफ एल डी हाइड एंड कीटोन्स आर सोलेबल इन वाटर जो लोअर मेंबर होते हैं वन टू थ्री कार्बन वो पानी के अंदर सोलेबल होंगे कि दे फॉर्म इज एच बॉन्डिंग तो बेसिकली वो क्या बनाएंगे हमारे पास एच बॉन्डिंग की फॉर्मेशन देंगे विद विद ईच अदर द सोलेबिलिटी डिक्रीज इंक्रीज इन ए हाइड्रोफोबिक कार्बन पार्ट अब जैसे जैसे कार्बन बढ़ते चले जाएंगे तो सोलेबिलिटी क्या होगी बेसिकली उस केस के अंदर डिक्रीज होती चली जाएगी नेक्स्ट हमारे पास है यहां पर केमिकल प्रॉपर्टी अब केमिकल प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर कुछ मैकेनिजम्स एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं तो पहली हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अब न्यूक्लियो फ्लिक एडिशन रिएक्शन की बात करनी है तो हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ए न्यूक्लियो फिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास सी डबल बॉन्ड हो दिस इज ए कार्बन आइल कंपाउंड अब इसके कार्बन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव ऑक्सीजन के ऊपर पार्शल नेगेटिव हाइब्रिडाइजेशन क्या आई है कार्बन की हमारे पास यहाँ पर एस पी टू और एस पी टू भी क्यों आई यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे सिग्मा तो हमारे पास क्या हो गए तीन सिग्मा है तो इसका मतलब एस पी टू बनी तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर तो इसके साथ अटैच हो गया यहाँ पर तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई हमारे पास एस पी थ्री ऑक्सीजन ने यहाँ से क्या किया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चार्ज आ गया इसके ऊपर नेगेटिव अब इस केस में यदि फास्ट रिएक्शन की बात करें तो कार्बन के साथ हमारे पास न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पर एच पॉजिटिव दे देते हैं तो किसकी फॉर्मेशन आ जाएगी यहाँ पर ओ एच ग्रुप की फॉर्मेशन अब इसका जो पॉइंट देखिए कि एज द न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन ए कार्बोनाइल कार्बन हैविंग इज ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर क्या था बेसिकली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हैंस कार्बोनाइल कंपाउंड अब इस केस में क्या होगा हमारे पास देखियो बच्चों सिंपल सी बात बताई है कि हैंस कार्बोनाइल कंपाउंड इज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो ये क्या शो करेगा हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करेगा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ ए रिएक्टिविटी ऑफ एल डी हाइड एंड कीटोन अब यहाँ पर कंपेरिजन कर रहे हैं बेसिकली किसका रिएक्टिविटी ऑफ पे एल डी हाइड एंड कीटोन का तो पहला हमारे पास है स्टीयरिक इफेक्ट क्या होता है अब इसके अंदर देखिए एल डी हाइड हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड एच यहाँ पर कीटोन पे हमारे पास क्या है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर अब इसके अंदर एक ही अलकाइल ग्रुप है कीटोन वाले केस में क्या है बेसिकली दो एल्काइल ग्रुप तो यहाँ पर लेस हिंड्रेंस है ड्यू टू तो दी एल्काइल ग्रुप एक ही अलकाइल ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा हमारे पास मोर एरिक हिंड्रेंस होगा ड्यू टू तो दी टू अल्काइल ग्रुप अब इसका रीज़न बेसिकली मैंने राइट डाउन कर दिया यहाँ पर कि एल डी हाइड बींग इज ए लेस हिंड्रेंस इसमें क्या है बेसिकली लेस थियरिक हिंड्रेंस आर मोर रिएक्टिव और ये क्या हो गया बेसिकली मोर रिएक्टिव हो गया किसके लिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए सेकेंड पॉइंट हमारे पास है इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है जिसके अंदर हम प्लस आई और माइनस आई की बात करते हैं तो हमारे पास एल डी हाइड के अंदर आर सी डबल बॉन्ड ओ एच अब आर के ऊपर क्या है यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सेम एज इट इज कीटोन कीटोन में क्या है हमारे पास दो अल्काइल ग्रुप तो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे कार्बन के ऊपर डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अब इन केस के अंदर देखिए इन कीटोन टू अल्काइल ग्रुप विच सोज इज ए प्लस आई इफेक्ट जो कीटोन है बेसिकली उसके पास क्या है दो अल्काइल ग्रुप हैं जो किसको शो कर रहे हैं बेसिकली प्लस आई इफेक्ट को एंड डिक्रीज द इलेक्ट्रोपिलिसिटी और वो क्या कर देते हैं जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको कम कर देते हैं कौन ये दो अल्काइल ग्रुप अब इसके अंदर हैंस कीटोन आर ए लेस रिएक्टिव जो कीटोन है बेसिकली वो क्या है लेस रिएक्टिव दैन किससे से एल डी हाइड से फॉर ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सिंपल से याद रखना है इस चैप्टर के अंदर जो एल डी हाइड होगा वो क्या होगा मोर रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इसके अंदर कि रिएक्टिविटी ऑफ एल डी हाइड एंड किटोन फॉर ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस इंडक्टिव इफेक्ट और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है बेसिकली हमारे पास प्लस आई इफेक्ट के अब सेम एज इट इज इसके अंदर मैंने एक साइड में डाउन किए हैं सेम एज द एसिडिक नेचर और पोलैरिटी ऑफ ए ओ एच बोर्ड अब इसको समझिए ध्यान से बच्चों की रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड अब यहाँ पर हम क्या लेके चले बेसिकली एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड बेंजीन के ऊपर सी डबल बॉन्ड हो तो यहाँ से बेसिकली बॉन्ड शिफ्टिंग होगा डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाएगा यहाँ से कार्बन के पास से बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो ये क्या आ गया डबल बॉन्ड आ गया बेंजीन के ऊपर और विद कार्बन के साथ तो इस केस में एरोमेटिक कंपाउंड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव फॉर ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे बेसिकली वो लेस रिएक्टिव होंगे किसके लिए बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए कि बिकॉज बेंजिन रिंग सोज बेंजिन रिंग क्या शो कर रहा है यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है एंड डिक्रीज द इलेक्ट्रोप्लिसिटी इलेक्ट्रोप्लिसिटी का मतलब पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज़ कर रहा है उन्हें कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्टिविटी ऑर्डर रिएक्टिविटी है ये बेसिकली कार्बोनाइल कंपाउंड की तो मिथेनल इज ग्रेटर देन ऑफ ए एलिफेटिक एलडीहाइड उसके बाद हमारे पास एल कौन होगा एलिफेटिक कीटॉन्स उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एरोमेटिक एल और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एरोमेटिक कीटोन तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ए कार्बोनाइल कंपाउंड भी आपने अच्छी तरीके से लर्न करनी है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बेसिकली जो एग्जाम्स के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है कि ये क्या है बच्चों एडिशन ऑफ ए हाइड्रोजन साइनाइड तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है एच सी ट्रिपल बॉन्ड एन अब हाइड्रोजन साइनाइड अब एस ग्रुप लेके चले बेसिकली सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच तो हाइड्रोजन साइनाइड मिला दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए बेस अब इस केस में क्या होगा ओनली एडिशन रिएक्शन अक्कर होगी तो यहाँ से कार्बन के पास से बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से हाइड्रोजन रिप्लेस हो करेगा यहाँ पर अटैच हो जाएगा और ये सी ट्रिपल बॉन्ड किसके पास आ जाएगा इस कार्बन के पास तो ये हमारे पास एडिशन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो क्या बनेगा सी एस थ्री सी के ऊपर ओ एच और सी ट्रिपल बॉन्ड एन एच तो इसको हम क्या लिखेंगे दिस इज एस टेल डी हाइड साइनो ये ग्रुप कौन सा आ गया साइनो हाइड्रेन इसको हम क्या बोलते हैं साइनो हाइड्रेन अब इसके अंदर समझिए ध्यान से ये वन बाय वन सभी पॉइंट्स मैंने नोट किए यहाँ पर कि द कंपाउंड फॉर्म वेन एल्डी हाइड एंड किटोन्स रिएक्ट विद जब एल्डिहाइड हाइड और किटोन किसके साथ रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ तो किसकी फॉर्मेशन देंगे वो बेसिकली उनको हम क्या बोलते हैं साइनोहाइड्रीन कहते हैं क्या बोलोगे बच्चों साइनोहाइड्रीन अब इसके अंदर सेकेंड पॉइंट कि द ओ एच एंड एन ओ एच ग्रुप इज़ ए बेस विच गेन ऑफ ए किस को गेन कर देते हैं बेसिकली एच पॉजिटिव को अब यदि एच पॉजिटिव को गेन किया तो हमारे पास क्या था हाइड्रोजन साइनाइड था एंड जनरेट किसको जनरेट करेंगे यदि यहाँ से एच को आपने क्या कर दिया यहाँ से रिमूव कर दिया और किसने इसको गेन किया बेस ने तो हमारे पास क्या बचा ओनली सी की ट्रिपल बॉन्ड एन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या आ गया बेसिकली लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब ये हमारे पास क्या है दिस इज एम्बीडेंट न्यूक्लियो फाइल अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर साइनोहाइड्रींस आर यूजफुल इंटरमीडिएट फॉर एग्जाम्पल ऑफ ए हाइड्रोलिसिस ऑफ एस टी एल डी हाइड यदि हाइड्रोलिसिस कर देते हैं किसकी एस टी एल डी हाइड की साइनोहाइड्रीनस गीफ से क्या देगा वो हमें लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन देगा और ये लैक्टिक एसिड भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा तो हमारे पास एस जो है बेसिकली साइनोहाइड्रिन यदि इसकी हाइड्रोलिस कर देते हैं मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो किसकी फॉर्मेशन आ जाती है हमारे पास तो ये क्या बनेगा सी ओ ओ एच ग्रुप बन जाएगा तो दिस इज एलेक्ट्रिक एसिड और ये क्या होगा बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव होगा नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है यहाँ पर एडिशन ऑफ ए सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड सोडियम हाइड्रोजन एडिशन रिएक्शन है ये भी न्यूक्लियोफिलिक तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड अब एसीटोन लेके चले सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड हो सी एस थ्री हाइड्रोसोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन रिएक्शन होगी बेसिकली बच्चों तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होके क्या लग जाएगा उसके साथ H तो हमारे पास क्या बनेगा एसओ थ्री एन ए रह जाएगा यहाँ पर तो ये क्या बन गया एसीटोन बाई सल्फाइड कंपाउंड यहाँ से फॉर्मेशन आ जाती है अब इसके अंदर समझिए कि द पोजिशन ऑफ ए एकब्रियम इज टू वर्ड्स द प्रोडक्ट फॉर ए मोस्ट एल डी हाइड एंड टू वर्ड्स द रिएक्टेंट फॉर ए मोस्ट किटोन बिकॉज एल डी हाइड इज़ ए मोर रिएक्टिव अभी आपने जस्ट किया था कि जो हमारे पास एल डी हाइड है वो मोर रिएक्टिव फॉर किसके लिए है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दैन कम्पेयर टू द किटोन अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इस रिएक्शन को आपने समझना है कि द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड इज वाटर सोलेबल ये हमारे पास क्या बेसिकली वाटर सोलेबल प्रोडक्ट है इस कन्वर्टेड बैग इंटू दी ओरिजिनल कार्बोनाइल कंपाउंड ये बेसिकली किस में चेंज हो जाता है ओरिजिनल कार्बोन कंपाउंड के अंदर बाई ट्रीटिंग विद जब इसको हम फर्दर ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए डायल्यूट मिनरल एसिड मीन्स एल्कली अब ये हमारे पास है एसीटोन बाई सलफाइड कंपाउंड सी एस थ्री सी के ऊपर ओ OH एच और यहाँ पर सी एस थ्री सी और ये एस ओ थ्री एन ए अब एसिटोन बाईसल्फाइड कंपाउंड अब इस केस में आपने क्या कर दिया है इसको एच सी एल एक्वस के साथ रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर एन यू एच एक्वस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो किसकी फॉर्मेशन देगा दोनों केसेस के अंदर एसीटोन की फॉर्मेशन देगा क्योंकि हम बेसिकली लेके ही चले क्या थे एसीटोन लेके चले थे तो हमारे पास रिएक्टेंट क्या हो गया वापस रिवर्ट हो गया अब इसके अंदर देखिए ध्यान से कि द कंपाउंड विच आर फॉर्मड वेन एल डी हाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद ए हाइड्रोजन हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड इज इस नोनीजें क्या बोलते हैं उसको हम बाई सल्फाइड कंपाउंड बोलेंगे यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है सी पार्ट रिएक्शन विद एल्कोहल्स अब रिएक्शन कर रहे हैं बेसिकली एल्कोहल की तो हम क्या लेके चले यहाँ पर फॉरमेल्डीहाइड एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच ये हमारे पास क्या है फॉरमेल्डीहाइड ओनली कार्बन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप पड़ा है यदि इसकी रिएक्शन मिथेनॉल के साथ कर देते हैं इन इनकी प्रेजेंस ऑफ एच सी एल गैस तो इस केस में हमारे पास क्या बनेगा सेम ग्रुप वही बच्चों यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होके किसको क्या बोड में डाइवर्ट कर देगा इसको सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो ये हमारे पास सी के साथ ये दो एच हैं तो ये यह हमने यहाँ पर लगाए और यहाँ से एक एच निकला तो किसके पास चला गया इस ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड में डाइवर्ट कर दिया तो ये ओ सी एस थ्री ग्रुप आ गया अब इसको हम क्या बोलेंगे दिस इज ए फॉर्मेलिटी हाइड मिथाइल हैमी एसीटल अब इसको फर्दर यदि मिथेनॉल के साथ कर देते हैं एच गैस की प्रेजेंस में तो हमारे पास क्या बनेगा ओ सी एस थ्री ग्रुप दो टाइम अटैच हो जाएगा यहाँ से वाटर मोलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे तो हमारे पास क्या बन गया एच सी ओ सी एस थ्री एच ओ सी एस थ्री और एच दिस इज ए फॉर्मेलिटी हाई डाय मिथाइल एसिटल या फिर डायरेक्ट रिएक्शन आप कर सकते हो बेसिकली तो डायरेक्ट क्या करोगे टू इसके अंदर क्या डालोगे मिथेनॉल ग्रुप डाल दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ एच सी गैस तो हमारे पास तब भी क्या बनेगा फॉर्मेलडी हाइड मिथाइल एसिटल बन जाएगा एसीटल वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसको भी आपने बी केयरफुल तरीके से करना है तो इसके जो पॉइंट्स है वन बाई वन सब देखिए कि एल रिएक्ट विद वन मोनो इक्विलेंट हमने क्या लिया था वन मोनो इक्विलेंट लिया था यहाँ पर उसके बाद ऑफ फिर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल इन दी प्रेजेंस ऑफ एच सी एल गैस्ट टू गिवे एल्कोक्सी एल्कोहल इंटरमीडिएट इज कॉल्ड इज ए हैमी एसिटल इसको हम क्या बोलते हैं ऊपर वाले को हैमी एसिटल निचले वाला हमारे पास क्या है यहाँ पर जेमिनल डाई एल्कोक्सी कंपाउंड दिस इज ए एसिटल कंपाउंड ये हमारे पास क्या बना एसीटल कंपाउंड बना जिसके अंदर हमने क्या डाला टू इक्वलेंट ऑफ ए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल इसके अंदर जब डाले नेक्स्ट हमारे पास है यदि हम किटोन ग्रुप लेके चलते हैं कि किटोन बींग इज ए लेस रिएक्टिव फॉर इज़ ए एडिशन रिएक्शन कि दे डू नॉट रिएक्ट विद ए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ये सिर्फ किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा टू फॉर्म इज ए केटल अब ये बेसिकली इसके अंदर देखिए रिएक्शन इसकी हमारे पास कैटल की हाव एवर केटोन रिएक्ट विद किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल के साथ टू फॉर्म क्या बनाएगा साइकिलिकटल्स एग्जाम्पल एसीटोन ग्रुप लिए यहाँ से हमने सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड और सी एस थ्री अब ये हमारे पास क्या पड़ा है दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल इसकी जो रिएक्शन करते हैं दी प्रेजेंस ऑफ एच गैस और वाटर मॉलिक्यूल तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ से देखिए इस केस के अंदर बच्चों सी एस थ्री सी के ऊपर हमारे पास क्या है ऑक्सीजन और एक सी एस थ्री ग्रुप है उसके साथ हमने क्या लगाया ओनली यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया ओ एच इधर से ले लीजिए और एच इधर से ले लीजिए तो ये सी एस टू सी एस थ्री ग्रुप इसके साथ अटैच कर दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे एसीटोन इथाइलिन साइक्लिक साइकिलिकटल इसको हम नाम देंगे नेक्स्ट हमारे पास यदि फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं इस केस में तो हाइड्रोलिसिस करने से बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एसीटल और ए कैटल गिव स्टार्टिंग रिएक्टेंट तो हमारे पास इस केस में क्या है सी एस थ्री सी के ऊपर सी एस थ्री है हमारे पास बॉन्ड के अकॉर्डिंग ओ सी एस टू सी एस थ्री ओ दिस इज एसिटोन इथाइलिन कैटल अब इसकी वाटर की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा बेसिकली वही सेम चीज़ रिएक्टेंट के अंदर डाइवर्ट हो जाएगा दिस इज़ ए इथाइलिन ग्लाइकोल सी एस टू ओ एच सी एस टू ओ एच और ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया वंस अगेन एसीटोन के अंदर अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट मैंने नोट किया है आप सभी के लिए कि रोल ऑफ ए एच सी एल गैस कि जो यहाँ पर हम जो रिएक्टेंट लेके चले हमारे पास जो कैटलिस्ट था एच सी एल उसका क्या रोल है तो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड एच पॉजिटिव कहाँ से आया फ्रॉम एच सी एल से अब इस केस में यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा बेसिकली एच होगा तो ये बॉन्ड चेंज हो गया तो यहाँ पर ये यह हमारे पास एच अटैच हो गया तो इस केस में जो हमारे पास एच सी एल गैस प्रोवाइड है किसको प्रोवाइड करती है ये प्रोटीन एच पॉजिटिव को एंड विच कैन प्रोटीनेटेड द ऑक्सीजन ऑफ ए कार्बोनाइल ग्रुप एंड इंक्रीज़ द इलेक्ट्रोफिलिसिटी अब इस केस देखिए बच्चों इलेक्ट्रोप्लिसिटी का मतलब क्या है इंक्रीज होना चार्ज किसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर अब ऑफ ए कार्बोनाइल कार्बन हैंस द रिएक्टिविटी ऑफ ए न्यूक्लियर फ्लिक एडिशन रिएक्शन क्या होगी इस केस के अंदर इंक्रीज हो जाएगी नेक्स्ट है हमारे पास डी वाला पार्ट कि रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरीवेटिव अमोनिया की रिएक्शन सारी इंपॉर्टेंट है बेसिकली इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है तो पहली हमारे पास है रिएक्शन विद अमोनिया एस लेके चले सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच एन एच थ्री डाल दिया एच पॉजिटिव हमारे पास एच की प्रेजेंस में एसिड की तो क्या होगा यहाँ से बेसिकली देखिए इस केस में तो यहाँ से क्या निकलेगा एच टू और यहाँ से ऑक्सीजन हमारे पास निकलने वाली है तो इस केस में क्या होगा सी एस थ्री सी और इसके साथ ये वाला एच एज इज और ये डबल बॉन्ड में इसके साथ लग जाएगा कार्बन के साथ तो डबल बॉन्ड एन एच हमारे पास यहाँ पर बचा था तो इसको हम क्या बोलेंगे बेसिकली कार्बन डबल बॉन्ड एन एच तो इसको हम एसटेल इमाइन कहेंगे कि वैन कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विद विद अमोनिया द कम्पाउंड फॉर्म डीजिनोन ऐसी उसको हम क्या बोल देंगे बेसिकली इमाइन कहेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सेकेंड हमारे पास है रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइन तो प्राइमरी अमाइन हमारे पास है बेंजेल डी हाइड तो प्राइमरी अमाइन डाल दिया सी एस थ्री एन एच टू इन द प्रेजेंस ऑफ ए एच पॉजिटिव तो यहाँ से बेसिकली क्या निकलेगा बच्चों एच टू और यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड शिफ्टिंग कर दो कार्बन के साथ वही चीज़ हमने यहाँ पर की है सी सिक्स एच फाइव सी और इसके साथ है एच और डबल बॉन्ड हमारे पास एन और सी एच थ्री सो दिस इज़ ए बेंजेलडी हाइड एन मिथाइल इमाइन यह इसको हम क्या बोलेंगे बेसिकली बेंजेलडी हाइड शिप बेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली इसको भी आपने अच्छे तरीके से करना है नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर है रिएक्शन ऑफ ए हाइड्रोक्सिलेमाइन हाइड्रोक्सिलाईमाइन का फार्मूला हमारे पास क्या होगा एन एच टू ओ एच अब इस केस में फॉर्मेटी हाइड के साथ हमने क्या डाल दिया हाइड्रोक्सलेमाइन एन एच टू और ओ OH एच डाल देते प्रेजेंस ऑफ ए एच पॉजिटिव तो यहाँ से सेम एज इट इज बच्चों यहाँ से एच टू निकलेगा और यहाँ से ऑक्सीजन और ये एन किसके साथ अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ विद इन डबल बॉन्ड तो ये हमारे पास क्या बन गया फॉर्मेलिटी हाइड और ये ऑक्साइम बोलोगे आप क्योंकि यहाँ पर एन के साथ डबल बॉन्ड कार्बन भी है और उसके साथ ओ OH एच ग्रुप तो ये क्या बन गया ऑक्साइम कि वेन कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विद ए हाइड्रोक्सलेमाइन द कम्पाउंड फॉर्म ए ऑक्साइम ये क्या बना हमारे पास ऑक्साइम नेक्स्ट हमारे पास जो है बेसिकली कि रिएक्शन विद हाइड्राजिन हाइड्रोजिन हमारे पास क्या है एन एच अब एसीटोन लेके चले सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड सी एस थ्री एन एच टू एन एच टू हमारे पास क्या है हाइड्रोजन तो यहाँ से एच टू निकलेगा सेम और यहाँ से ऑक्सीजन तो N हमारे पास डबल बॉन्ड किसके साथ चला जाएगा इस कार्बन के साथ तो H पॉजिटिव की में कर देते हैं तो सी एस थ्री सी अब ये जो सी एस थ्री है इसको नीचे लगा दीजिए बॉन्ड के साथ और ये हमारे पास N डबल ये क्या है कार्बन डबल बॉन्ड N विद एन एस टू सो दिस इज ए एसीटोन हाइड्रोजोन तो ये क्या बन गया हमारे पास हाइड्रोजन से चेंज हो गया किसके अंदर हाइड्रोजोन के अंदर अब इसके अंदर देखिए कि वैन कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विद हाइड्रोजिन द कंपाउंड फॉर्म आर नोन एज ए हाइड्राजोन तो उसको आप क्या बोलोगे हाइड्राजोन अब इसके अंदर नेक्स्ट है हमारे पास कि रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन हाइड्रोजिन हमारे पास फिनाइल हाइड्रोजिन क्या है सी सिक्स एच फाइव एन एच और एन एच टू अब एस्टेल्डी हाइड लेके चले सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच अब इस केस में हमारे पास ये क्या है दिस इज ए फिनाइल हाइड्राजीन सी सिक्स एच फाइव एन एच और यहाँ से देखिए बच्चों यहाँ से क्या निकलेगा एच टू और यहाँ से ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड में इसके साथ कार्बन के साथ अटैच कर दो तो ये हमने अटैच कर दिया तो इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना एस टेल डी हाइड फिनाइल हाइड्राजोन में ये कन्वर्ट हो गया अब इसको आप लिख भी सकते हो कि वैन कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विद फिनाइल हाइड्राजेन दिस कंपाउंड फॉर्म इज नोन एज ए फिनाइल हाइड्राजोन तो ये हमारे पास क्या बना फिनाइल हाइड्राजोन नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद सेमी कार्बेजाइड सेमी कार्बेजाइड क्या है हमारे पास एन एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एन एच और एन एच टू अब इसकी रिएक्शन भी आप किसके साथ करोगे बेसिकली एसिटोन के साथ कर दी तो हमने एसीटोन लिया और एसीटोन के अंदर बेसिकली क्या डाल दिया बच्चों यहाँ पर सेमी कार्बोजाइड तो ये हमारे पास है सेमी कार्बोजाइड का फॉर्मूला एन एच टू सी डबल बॉन्ड एन एच और एन एच टू तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्या निकलेगा हमारे पास ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो ये डबल बॉन्ड के अंदर आप अटैच कर दो यहाँ पर इस कार्बन के साथ तो हमारे पास क्या बना सी एस थ्री और सी पे क्या है सी एस थ्री और डबल बॉन्ड किसके साथ आ गया है? हमारे पास यहाँ से एन एच ये हमारे पास क्या है एन और एन एच और उसके बाद सी के ऊपर डबल बॉन्ड और एन एच टू दिस इज ए एसीटोन सेमी कार्बाजोन की वैन ए कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विद इज ए सैमी कार्बाजाइड द कंपाउंड इज फॉर्म नोन एज ए सैमी कार्बोजोन तो उसको हम क्या बोलेंगे सैमी कार्बाजोन अब इस केस के अंदर समझिए ध्यान से कि दीज आर ए टू एन एच टू ग्रुप टू एन एच टू ग्रुप पड़े थे हमारे पास यहाँ पर दो एन एच टू ग्रुप हैं इन ए सैमी कार्बाजाइड हाव ओनली दैट एन टू ग्रुप विल बी पार्टिसिपेट इन दी रिएक्शन ओनली वन एन एच टू ग्रुप क्या करेगा बेसिकली पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शंस के अंदर एंड एक्ट एज ए न्यूक्लियो फिलिक्स साइट अब विच इज़ नॉट ए कंजुगेटेड सिस्टम तो इस केस में आप समझ सकते हैं यहाँ पर देखिए हमारे पास दो एनेस्टो ग्रुप है यहाँ पर एक वो एक एनेस्टू ग्रुप ये है हमारे पास एक एनेस्टो ग्रुप ये है तो इसको हम ओनली क्या बोलेंगे दिस इज एनली न्यूक्लियो फाइल साइट ये हमारे पास क्या रहेगी इसके अंदर एक ही न्यूक्लियो फाइल साइट रहेगी नेक्स्ट हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन विद टू फोर डी एन पी अब टू फोर डी एन पी का मतलब हमारे पास डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन अब बेंजेलडी हाइड लेके चले इसमें हमने क्या डाल दिया टू फोर डी एन पे डाल दिया अब ये हमारे पास क्या है टू फोर पे नाइट्रो ग्रुप और उसके बाद हमारे पास क्या बन गया ये दिस इज़ ए फिनाइल हाइड्राजीन अब इस केस में भी क्या करोगे बच्चों तो यहाँ से एच टू और यहाँ से ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दोगे तो हमारे पास क्या बन गया सी सिक्स एच फाइव सी के साथ एच है और ये हमारे पास डबल बॉन्ड एन और एन एच और उसके नीचे क्या है हमारे पास ये बेंजीन के ऊपर एन नो टू ग्रुप तो इसका नाम क्या दोगे आप दिस इज़ ए बेंजेलडी हाइड टू फोर डाई नाइट्रोफिनाइल इसको आप क्या बोल सकते हो टू फोर डी एन पी हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ टू फोर डी एन पी कम्पाउंड के साथ तो हमारे पास क्या बन गया है बेसिकली टू फोर डी एन पी डेरिटिव की फॉर्मेशन यहाँ से निकलती है अब इसी के अंदर देखिए बच्चों बेसिकली टू फोर डी एन पी डेरिटिव आर येलो ऑरेंज एंड रेड सॉलिड कि द रिएक्शन इज़ यूज इन द डिटेक्शन ऑफ एल डी हाइड्रैंड किटॉन तो बेसिकली जो रिएक्शन को डिटेक्ट करेंगे वो उसके अंदर क्या है एल डी हाइड्रैंड किटोन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वैन कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विद अमोनिया ही हम कार्बोनाइल कंपाउंड को रिएक्ट करते हैं किसके साथ अमोनिया के साथ एंड इट्स डेरीवेटिव एसिड एच पॉजिटिव इज यूज विच एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट डिहाइड्रेटिंग जो पानी को बेसिकली रिमूव करता है कि एसिड इज यूज टू रिमूव द वाटर एंड प्रोवेंट दी बेसिकली प्रिवेंशन किसके लिए करेगा बैकवर्ड रिएक्शंस के लिए नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर सेकेंड पॉइंट कि रिडक्शन ऑफ ए कार्बोनाइल कंपाउंड टू ए मिथाइलिन ग्रुप तो किसकी फॉर्मेशन देगा बेसिकली मिथाइलिन ग्रुप की अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है यहाँ से क्लीमेंशन और वोल्फ किशनर रिडक्शन तो हम कार्बोनाइल ग्रुप लेके चले रिडक्शन से हम कर देते हैं नेसेंट हाइड्रोजन के साथ तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो हमारे पास क्या बनाए यहाँ पर सी एस टू डबल यहाँ पर सिंगल सिंगल बॉन्ड तो इसको हम क्या बोलेंगे दिस इज ए मिथाइलिन ग्रुप अब इस केस के अंदर जो ये रिएक्शन परफॉर्म होती है दो वेज के अंदर होती है तो पहली हमारे पास इसके अंदर रहेगी नंबर वन क्लीमेंसन रिडक्शन एसिडिक मीडियम के अंदर है कि द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ ए एल्डीहाइड एंड किटोन इज रिड्यूज टू किसमें रिड्यूज हो जाता है बेसिकली सी एस टू ग्रुप के अंदर ऑन ट्रीटमेंट विद किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं बेसिकली जिंक का मलगम एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो हम क्या लेके चले यहाँ पर एस टी एल डी हाइड सी एस थ्री सी डबल बॉन्डो एच तो किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन आपको करेंगे यहाँ पर जिंक का मलगम एच सी एल के साथ तो हमारे पास क्या निकलेगा यहाँ से बेसिकली यह यदि बात करते हैं बच्चों रिडक्शन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है तो हमारे पास हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी सी एस थ्री सी एस थ्री तो दिस इज ए एथेन नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर यदि बात करें तो एसिडोफिनोल लेके चलते हैं हमारे पास बेंजिन के ऊपर सी डबल बॉन्ड और सी एस थ्री जिंक अमलगम और एच सी एल की प्रेजेंस में यदि रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिप्लेस रे, होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी तो बेंजिन के ऊपर सी एस टू सी एस थ्री दिस इज ए इथाइलिन बेंजीन तो ये हमारे पास है क्लिमिंशन रिडक्शन फॉर एसिडिक मीडियम काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नेक्स्ट हमारे पास सेम जो सेकेंड रिएक्शन है वोल्फ किशनर रिडक्शन बेसिक मीडियम की बात करेंगे कि विद ए हाइड्राजीन ओलोड बाय हीटिंग विद ए सोडियम अब बेसिकली या तो सोडियम के साथ रिएक्ट कर देते हैं या फिर पोटासियम हाइड्रोक्साइड इन ए हायर बोलिंग सोलवेंट सच एज ए इथाइलिन ग्लाइकोल अब इस केस में देखिए एसीटोन लेके चलते हैं सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड सी एस थ्री हाइड्रोजीन डाल देते हैं एन एच टू एन एच टू वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा अब इस केस में से यहाँ से एच टू और यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन तो इसके साथ अटैच कर दो डबल बॉन्ड के साथ इस कार्बन के साथ तो सी एस थ्री सी के नीचे हमारे पास सी एस थ्री डबल बॉन्ड एन और एन एच टू आ जाता है यदि हम इसको फर्दर बेस के साथ हीट कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकलेगा इसके अंदर बेसिकली बच्चों तो यहाँ से देखिए तो सी एस थ्री सी एच टू और यहाँ हाइड्रोजनेशन हो रही है बेसिकली या तो मतलब रिडक्शन हो रही है तो सी एस थ्री सी एस टू और सी एस थ्री प्लस क्या निकलेगा एन टू निकल जाएगा अब इसके अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलिकुलर फॉर्मूला आप देख सकते हो जिसको हम इथेन वन टू डाई ऑल कहते हैं थर्ड हमारे पास है रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ ए कार्बोनाइल कंपाउंड ऑक्सीडेशन कर रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड की तो एल्डिहाइड कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज टू ए कार्बोक्सिलिक एसिड यदि एल्डिहाइड को इजिली ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा कार्बोक्सलिक एसिड बाय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वीक ऑक्सीडाइजिंग कौन सा यूज़ करोगे फैलिंग रेजेंट और या फिर टोलन रेजेंट तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर टोलन रेजेंट की या फिर सेकेंड हम बात करेंगे यहाँ पर फेलिंग रेजेंट की तो उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट हमारे पास आता है यहाँ पर कि कीटोन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज टू ए कार्बोक्सलिक एसिड बाय ए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कीटोन है उसको हम इजिली ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते कि इसके अंदर कार्बोक्सलिक एसिड के अंदर बाई दी हेल्प ऑफ ए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे यदि हमने किटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर चेंज करना है तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे वो है पहला फर्स्ट एसिडिकव एन ओ फोर सेकेंड इज ए जोनसर एजेंट सी आर ओ थ्री एस टू एस ओ फोर या फिर क्रोमिक एसिड हमारे पास एच टू सी आर ओ फोर अब इसके अंदर यदि ऑक्सीडेशन कर रहे हैं बेसिकली एल डी हाइड की तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले है टोल टेस्ट यह इसका नाम दूसरा है हमारे पास सिल्वर मिरर टेस्ट अब सिल्वर मिरर टेस्ट होता क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली कि टोलन रेजेंट इज एमोनिकल सोल्यूशन ऑफ ए सिल्वर नाइट्रेट अब सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास बेसिकली क्या है यहाँ पर ए जी एन ओ थ्री दैट इज़ क्या लिख सकते हो आप ए जी एन एस थ्री का टवाइस और पॉजिटिव चार्ज और ओ एच नेगेटिव अब एल के अंदर हमने क्या डाल दिया यहाँ पर दिस इज ए टोलिन टेस्ट डाल देते हैं टोलिन हमारे पास बेसिकली अमोनियम सोल्यूशनों पर सिल्वर नाइट्रेट डाल देते हैं तो हमने इसके दो मोलिकुल्स डाले यहाँ पर तो हमारे पास क्या निकला यहाँ से बेसिकली यदि बात करें तो टू मोलिकूल ऑफ अमोनिया और टू मोलिक्यूलों पर वाटर तो हमारे पास क्या बना आर सी डबल बॉन्ड ओ और इस एच के साथ क्या आ गया हमारे पास एन एच थ्री और ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्या निकला यहाँ से ओनली टू मॉलिक्यूल ऑफ ए सिल्वर तो सिल्वर मिरर टेस्ट बन बोलते हैं इसको हम बेसिकली सिल्वर मिरर बन गया अब इसके अंदर कि फॉर्मेशन ऑफ ए सिल्वर मिरर कन्फर्म इन दी प्रेजेंस ऑफ ए किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं बेसिकली एल डी हाइड इधर एलिफेटिक ओपन चेन मिथाइल या फिर इथाइल या फिर एरोमेटिक रिंग अब इस केस में देखिए बच्चों हमारे पास एक टेस्ट हो रहा है इसी के अंदर फॉर्मिक एसिड के लिए या एसिड के लिए तो ये टोलेंट टेस्ट यहाँ भी अप्लीकेबल है तो हमने क्या लिया यहाँ पर मिथेनोइक एसिड क्या डाल दिया इसके अंदर बेसिकली अमोनियम सोल्यूशन ऑफ ए सिल्वर नाइट्रेट जिसको हम टोलेंट टेस्ट कहते हैं ए जी एन एस थ्री का ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज तो क्या निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मोलिक्यूल प्लस सिल्वर तो हम इसको बेसिकली सिल्वर मिरर कहते हैं सेकेंड हमारे पास जो हम करने जा रहे हैं अभी सेकेंड है ऑक्सीडेशन बाय ए फेलिंग सोल्यूशन अब फेलिंग सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या है हमारे पास फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी अब फैलिंग ये हमारे पास क्या होगा ब्ल्यू कलर्ड कॉपर सल्फेट बी वाला हमारे पास क्या होगा सोडियम पोटासियम टैट्रेट जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं रोचल साल्ट भी कहते हैं अब इसके लिए मैंने एक ट्रिक्स बनाई है आपको कि जो फैलिंग सॉल्यूशन यूज़ करेंगे वो कौन कौन सा है हमारे पास फाइव रेशियो वन रेशियो टू मतलब फाइव जो होगा बेसिकली ओ एच ग्रुप होगा वन हमारे पास एन ए ग्रूप होगा और टू हमारे पास क्या होगा सी यू तो एस के अंदर हमने ये पाँचों डाल देते हैं फाइव ओ एच वन एन ए पॉजिटिव और टू हमारे पास सी यू टू पॉजिटिव दिस इज ए फेलिंग सॉल्यूशन तो क्या बनेगा यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा बेसिकली बच्चों और उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा यहाँ पर एन ए तो ये हमारे पास क्या बन गया दिस इज ए सोडियम इथेनॉइड प्लस क्या निकलेगा कॉपर ऑक्साइड और प्लस क्या निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल जो कॉपर ऑक्साइड यहाँ से निकलता है दिस इज ए रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट तो किसकी फॉर्मेशन आएगी यहाँ पर रेड प्रे, ब्राउन प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन यहाँ से आती है इसका जो बेसिकली हमारे पास एक पॉइंट है कि फॉर्मेशन ऑफ ए रेड प्रेसिपिटेट ऑफ ए कॉपर ऑक्साइड कन्फर्म इन दी प्रेजेंस ऑफ ए बेसिकली एलिफेटिक एल डी हाइड दिस टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एरोमेटिक एल डी हाइड यह सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है ओनली एलिफेटिक के लिए ना फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ ए कीटोन अब इसके अंदर है पोफ ऑफ रूल क्या होता है वॉट डू मीन बाई पोप ऑफ रूल कि इट स्टेट दैट ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ ए कीटोन टू ए कार्बोक्सलिक एसिड द कार्बोनाइल ग्रुप हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ रिमेन्स विद ए बेंजिन रिंग विद ए सिमिलर एल्काइल ग्रुप तो इस केस में देखिए हमारे पास क्या लेके चले हम एसिटोफिन लेके चले बेंजिन के ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री अब इसकी यदि हम क्या डाल देते हैं इसके अंदर बेसिकली कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होगा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना है अपने इसके अंदर तो बेंजोइक एसिड के अंदर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलेंगे सेकेंड केस हमारे पास एक रिएक्शन और नीचे है बेसिकली बच्चों तो ये हमने क्या लिया कीटोन ग्रुप ही लिया तो हमारे पास मीथ ईथ प्रोप ब्यूट उसके बाद है पेंट और ये हमारे पास एग्ज hex. एग्जेनॉन है तो क्या डालना है आपने इसके अंदर बेसिकली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये हमारे पास एच पॉजिटिव तो क्या निकलेगा इसके अंदर बेसिकली हमारे पास एक तो इथेनोइक एसिड निकलेगा और एक हमारे पास क्या निकलेगा यहाँ पर दिस इज ए प्रोपेनोइक एसिड की फॉर्मेशन यहाँ से आएगी नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास आइडोफोम टेस्ट क्या होता है जिसको हम एलोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं कि द रिएक्शन इज सोन बाय दोज कंपाउंड विच हैव सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप या फिर हमारे पास सी एस थ्री सी ओ एच ग्रुप अब द रिएक्शन अक्कर इन द ऑफ ए जो रिएक्शन बेसिकली अक्कर होगी किसकी प्रेजेंस में होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड और आई टू की प्रेजेंस में अब इस केस में देखिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन डालते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा एन ए ओ और इसके साथ आई और एच आई बाहर निकल जाएगा दिस इज ए सोडियम हाइपो आयोडाइट इसको हम क्या बोलेंगे आईपो आयोडेट अब इस केस के अंदर हमारे पास ये समझना है आपने बच्चों पॉजिटिव आइडोफोम टेस्ट कौन से होते हैं आप देख सकते हो इसके अंदर तो हमारे पास है इथेनॉल हो गया कीटोन हो गया ये सारे हमारे पास पॉजिटिव आइडोफोम टेस्ट शो करते हैं यदि नेगेटिव आइडोफोम टेस्ट की बात करते हैं तो ये हमारे पास बेसिकली ये वाले सारे नेगेटिव आइडोफोम टेस्ट शो करते हैं अब इसके अंदर रिएक्शन देखिए हमारे पास तो रिएक्शन हम क्या लेके चले चलेथेनल तो इसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आई टू डाला तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आई यहाँ पर आइडोफॉर्म की दिस इज़ ए येलो क्रिस्टल और यहाँ से क्या निकल गया हमारे पास सोडियम मिथेनॉइड सेम एज इट इज़ एसीटोन ग्रुप लेके चले सोडियम हाइपो आयोडाइड डाल दिया तो हमारे पास क्या निकलेगा सी एच थ्री आई ये हमारे पास सी एच आई थ्री प्लस क्या निकलेगा सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड हो वो एन ए लग जाएगा इसके साथ तो ये सारी रिएक्शन किसकी है हमारे पास बेसिकली आइडोफॉर्म की है तो ये रिएक्शन वन बाई वन आप देख लीजिए जल्दी से नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली इसी के अंदर कि फॉर्मेशन ऑफ ए येलो क्रिस्टल येलो क्रिस्टल किसके बने हमारे पास आइडोफॉर्म के इंडिकेट इन दी प्रेजेंस ऑफ ए किसकी प्रेजेंस दिखा रहा है यहाँ पर सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप की या फिर सी एस थ्री सी ओ एच ग्रुप की अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है कि रिएक्शन ड्यू टू अल्फ़ा हाइड्रोजन पहली है हमारे पास एसिडिटी ऑफ ए अल्फ़ा हाइड्रोजन ऑफ ए कार्बोनाइल ग्रुप अब एसिडिटी बतानी है हाइड्रोजन की किसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर कि द ए एल डी हाइड एंड किटोन्स अंडर गोज़ ए नंबर ऑफ ए रिएक्शंस ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ ए अल्फा हाइड्रोजन अब देखो बच्चों इसमें हम किसकी बात करेंगे एल्डोल रिएक्शन की बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन की, की बात करेंगे या फिर क्रॉस एल्डोल की बात करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन ग्रुप है उसके जो नेक्स्ट वाला कार्बन होगा बेसिकली वो अल्फ़ा होगा उसके नेक्स्ट वाला हमारे पास बीटा होगा उसके नेक्स्ट वाला हमारे पास गामा अब इसमें से एच पॉजिटिव निकाल देते हैं अल्फा के अंदर से एच पॉजिटिव निकाला तो इसके अंदर हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर देखिए इस केस में तो ये हमारे पास अल्फा के साथ नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया क्योंकि इसने बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन अपने आप ही शिफ्ट कर लिए तो नेगेटिव चार्ज तो ये किस में डाइवर्ट होगा डबल बॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन वाला बॉन्ड क्या होगा टूटेगा तो ये कार्बो एनाइन बन गया हमारे पास ये डबल बॉन्ड के अंदर शिफ्टिंग आ गई अब इसी की जो रिएक्शन है वो देखिए पहले तो आप रीजन देख लीजिए बेसिकली हमारे पास है हेंस एल एंड कीटोन कैन रिलीज एच पॉजिटिव आयंस जो एल और कीटोन है कैन रिलीज एच पॉजिटिव आयंस फ्रॉम ए अल्फा कार्बन बिकॉज द कार्बो एनाइन फॉर्म इज ए आफ्टर लूज ऑफ ए एच पॉजिटिव आइंस ड्यू टू द स्टेबल ऑफ ए रेजिनेस इसलिए वो क्या हो गया बेसिकली स्टेबल हो गया रेजिनेंस की वजह से नेक्स्ट हमारे पास है एल्डोल रिएक्शन क्या होती है अब इसके अंदर देखिए द रिएक्शन इज सोन बाय दो एलडी हाइड एंड कीटोन विच हैव अल्फ़ा हाइड्रोजन कि जिसके अंदर बेसिकली क्या हो एक अल्फ़ा हाइड्रोजन एट लीस्ट हो उसको हम एल्डोल रिएक्शन कहते हैं बहुत ध्यान से देखना है आपने इसके अंदर तो हमारे पास क्या होगा सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच टू टाइम्स लेके चलना है तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप और इसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा वो अल्फ़ा होगा अब इसको हम बेस के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो आपने सिंपल वे में देखना है बच्चों यहाँ से जो अल्फ़ा कार्बन होगा वहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगी तो हमने क्या लिखा पहले सी एस थ्री सी और सी के साथ हमारे पास बेसिकली क्या है एच और यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है आप ओ एच नेगेटिव की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा तो ये ओ OH एच हो गया तो ये क्या लगाओगे यहाँ पर CH2, यहां सी एच टू आप क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया एच पॉजिटिव तो सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच तो इसको आप क्या बोलोगे दिस इज ए बीटा हाइड्रोक्सी बीटा पे क्या पड़ा है हाइड्रोक्सी एल डी हाइड या फिर एल्डोल कह सकते हो अभी यदि इसको हम फर्दर हीट कर देते हैं वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाएगी रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन अब इसके अंदर तो आपने क्या करना है अल्फा में से तो हाइड्रोजन बीटा में से ओ एच नेगेटिव को बाहर निकाल दीजिए तो सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी डबल बॉन्ड एच हमारे पास इसको आप क्या बोलेंगे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड हमारे पास क्या बन गया है? ये एल या फिर ब्यूटे ठीक है ना तो दिस इज ए हमारे पास एल्डोल रिएक्शन अब एल्डोल रिएक्शन को बेसिकली इतना ही करना है आपने टू मॉलिक्यूल्स लिए कीटोन के ओ OH एच की नेगेटिव की प्रेजेंस में कर दिया तो आपने अल्फा को में से क्या निकालना है बेसिकली एच पॉजिटिव निकालना है और उसके साथ अटैच कर दीजिए नेक्स्ट ग्रुप के साथ तो क्या बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिटलअ कीटल बनेगा अब ऐसे ही हमारे पास एल् एल्डोल कंडेंसेशन की यदि बात करें एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करना है जो हमने सेकेंड स्टेप किया एच पॉजिटिव आइंस जब हमने डाले थे या फिर वाटर मॉलिक्यूल डाला था उस के इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को आपने निकालना है और उसको हीट करना है तो हमने दो मॉलिक्यूल्स ले लिए यहाँ पर कीटोन के ओ एच नेगेटिव वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा अन मतलब डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो गया अल्फ़ा में से हाइड्रोजन बीटा में से क्या निकला हमारे पास ओ एच ग्रुप तो, तो अल्फ़ा बीटा अन क्या बना कीटोन बना तो इसको हम क्या बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं जैसा कि अभी आपने ऊपर जस्ट किया था यहाँ तक तो हमारे पास क्या है एल्डोल रिएक्शन है यदि इसके अंदर से फर्दर अल्फ़ा बीटा में से अल्फ़ा में से हाइड्रोजन और बीटा में से ओएच OH ग्रुप निकाल देते हैं तो ये हमारे पास क्या बन गई एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अक्कर हो जाती है नेक्स्ट इसी के अंदर एक पॉइंट नोट कीजिए आप सभी स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास फॉर्मेलिटी है एच सी डबल बॉन्ड ओ एच एंड हमारे पास बेंजेलडी है बेंजीन के ऊपर सी डबल बॉन्ड एच डू नॉट हैव ए अल्फा हाइड्रोजन तो इनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होता ही नहीं यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो एटलीस्ट इसके अंदर कोई भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अक्कर नहीं होगी तो हमने बोल दिया कि बेसिकली बच्चों दे डोंट हैव ए एल्डोल रिएक्शन तो ये एल्डोल रिएक्शन अक्कर नहीं करेंगे अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये देखिए आप जल्दी से कि एल एंड किटोन्स हैव एट लीस्ट क्या होना चाहिए वन अल्फ़ा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ए डायल्यूट एन या क्यू या फिर हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म क्या देगा वो एल्डोल या फिर कीटोल कि सच टाइप ऑफ ए रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल रिएक्शन उसको आप क्या बोलोगे एल्डोल रिएक्शन अब सेकेंड स्टेप के अंदर इफ़ द एल्डोल और कीटोल फॉर्मड इन द एल्डोल रिएक्शन लॉस ऑफ ए वाटर मोलिकल यदि पानी वहाँ से निकाल देते हैं टू तो गिव इज ए अल्फा बीटा अनसेचूरेटेड एल्डी हाइड तो किसकी फॉर्मेशन देगा बेसिकली वो अल्फ़ा बीटा अनसेचूरेटेड एल्डी हाइड या फिर कीटोन की सच टाइप ऑफ ए रिएक्शन इज नोन एज ए कंडनसेशन उसको आप क्या बोलोगे एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है अब इस रिएक्शन के अंदर देखिए कि वैन ए एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट बिटवीन टू डिफरेंट एल डी हाइट तो कोई दो डिफरेंट एल डी हाइट लेके चलोगे या कोई दो डिफरेंट हमारे पास किटोन लेके चलने हैं उसको हम क्या बोलते हैं क्रोस एल्डोल कंडनसेशन अब इसके अंदर इफ बोथ ऑफ कंटेन अल्फ़ा हाइड्रोजन ऐटम तो वो बेसिकली क्या कंटेन होना चाहिए उसके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन ऐटम इट गिव्स ए मिक्सचर ऑफ ए फोर प्रोडक्ट वो चार प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देगा बाय एल्डोल रिएक्शन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए इथेनल और एंड ए प्रोपेनल तो हम क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पर बेसिकली दिस इज एथेनल और ये हमारे पास क्या है प्रोपेनल अब इसके अंदर फर्स्ट स्टेप एन यू एच डाल देते हैं या उसको हीट कर देते हैं तो हमारे पास बेसिकली बच्चों इसको समझना है आपने तो पहले क्या करोगे आप दोनों को बेसिकली इथेनल को टू टाइम्स लेके चलोगे तो हमारे पास ये बनेगा तो हमारे पास क्या बना बेसिकली ब्यूटेनल मतलब ब्यू टू इनल सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच ओ अब कब लेके चले फ्रॉम टू मोलिक्यूल ऑफ ए इथेनल जब हमने सिर्फ ओनली दो मॉलिक्यूल्स किसके लिए इथेनल के लिए सेकेंड स्टेप में हम क्या लेके चले टू मॉलिक्यूल्स किसके लेके चले यहाँ पर प्रोपेनल के तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा ठीक है ना जिसका नाम क्या है टू मिथाइल पेंट टू इनल तो यहाँ पर मैंने नीचे राइट डाउन भी किया स्पेशली फ्रॉम टू मॉलिक्यूल ऑफ ए प्रोपेनल अब इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली सिंपल और सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट अब नेक्स्ट केस में आप इन्हें क्या करना है जब थर्ड प्रोडक्ट करोगे आप एक बार अल्फ़ा इसको मानो सी एस टू को ठीक है ना क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है इसके बाद ये अल्फ़ा होगा इसको एज इट इज रहने दो तो हमारे पास क्या बनेगा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्रॉस बोलेंगे ये क्या बन गया हमारे पास सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी सी एस थ्री सी एच ओ दिस इज ए टू मिथाइल ब्यू टू इनल और एक बार आप क्या करोगे अल्फा इसको मानोगे इसको एज इट इज रहने दोगे तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा सी एस थ्री सी एस टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच ओ तो दिस इज़ ए पेन टू इनल ये हमारे पास क्या बन गया पेन टू इनल तो यहाँ पर मैंने इसको स्पेशली लिखा भी है आप सभी के लिए कि दिस इज ए क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट फ्रॉम वन मॉलिक्यूल वन मॉल किसका मोलिक्यूल किसका लिया आपने इथेनल का एंड वन मॉलिक्यूल किसका लिए यहाँ पर प्रोपेनल का तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेसिकली क्रॉस एल्डोल कंडन रिएक्शन फॉर यूर बोर्ड एग्जाम्स नेक्स्ट हमारे पास सेम एज इट इज़ है किटोन के लिए किटोन कैन आल्सो बी यूज इन ए वन कंपोनेंट इन दी क्रॉस एल्डोल तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया एक ग्रुप लिया किटोन का और एक ग्रुप हमने किसका लिया बेसिकली एल का तो हम बेस की प्रेजेंस में इसको रिएक्शन को करेंगे तो हमारे पास सेम एज इट इज होगा बेसिकली बच्चों अल्फ़ा में से क्या होगा यहाँ से अल्फ़ा में से हाइड्रोजन निकलेगा तो हमारे पास क्या बनेगा इसके अंदर आप बिल्कुल प्रॉपर खोल के देखना इस रिएक्शन को बेंजीन के साथ सी एच और यहाँ से ऑक्सीजन निकला और ये सी एच यहाँ से क्या निकला एच टू तो C डबल बॉन्ड ये हमारे पास क्या गया सी एच डबल बॉन्ड सी एच और C डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन तो इसको हम क्या बोलेंगे वन थ्री डाई फिनाइल प्रोप टू इन और वन ऑन on. तो दिस इज ए हमारे पास क्या बन गया बेंजेनल एसिटोफिनोन बन गया नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए कैनिजेर रिएक्शन अब इसके अंदर देखिए ध्यान से कि इट इज़ द डिसपोनेट रिएक्शन ऑफ दोज एल डी हाइड विच डू नॉट कंटेन अल्फ़ा हाइड्रोजन जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता एंड अक्कर इन दी प्रेजेंस ऑफे किसकी प्रेजेंस में अक्कर होती है बेसिकली कंसनट्रेटेड एन यू एच और के यू एच अब हम क्या लेके चले टू मॉलिक्यूल्स ऑफे फॉर्म एल डी हाइड इन दी प्रेजेंस ऑफे फिफ्टी परसेंट एन यू एच तो हमारे पास इस रिएक्शन में डायरेक्टली याद रखो बच्चों मिथेनॉ बनेगा मतलब एल्कोहल फॉर्म की फॉर्मेशन आएगी तो हमारे पास क्या बना मिथेनॉल और प्लस क्या निकल गया सोडियम प्रोपेनोट एन ए हमारे पास ओ एन ए कैस साथ अटैच हो गया इस ग्रुप के साथ नेक्स्ट हमारे पास सेम मेजट इज बेंजेलडी हार्ट ग्रुप लेके चले ओपन करके लिखा मैंने बिल्कुल बेंजीन के ऊपर सी डबल बॉन्डो एच कंसनट्रेटेड ओ एच डाल दिए यहाँ से तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर सी एच टू ओ एच दिस इज़ ए बेंजेल एल्कोहल और प्लस क्या निकल गया हमारे पास पोटासियम बेंजोएट निकल गया यहाँ से नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड वाली इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है कि कार्बोनाइल ग्रुप दैट इज़ सी डबल बॉन्ड ओ कि वैन अटैच टू ए बेंजिन रिंग इट सोज ए माइनस आर इफेक्ट क्या शो करेगा बेसिकली ये माइनस आर इफेक्ट शो करेगा एंड डीएक्टिवेट द बेंजिन रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन और डीएक्टिवेट कर देता है बेसिकली किसको बेंजिन रिंग को आल्सो इट डायरेक्ट द इलेक्ट्रोफाइल टू द मेटा पोजिशन जो इलेक्ट्रोफाइल है बेसिकली वो कहाँ पर जाएगा मेटा पोजिशन पर बिकॉज देयर आर ए पॉजिटिव चार्ज एट पॉजिटिव चार्ज कहां पर प्रेजेंट कर रहा है ओर्थो एंड पैरा पोजिशन इन देर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर अब इसकी रिएक्शन देखिए तो हम बेसिकली क्या लेके चले बेंजेलडी इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कंसनट्रेड यदि हम क्या डाल देते हैं इसके अंदर एच एन ओ थ्री और एस टू एस ओ फोर एज ए टेम्परेचर टू सेवेंटी थ्री से लेकर टू सेवेंटी एट कैलविन तो जो नाइट्रो की पोजीशन होगी बेसिकली वो कहाँ पर जाएगी मेटा पे तो हम क्या लिखेंगे थ्री नाइट्रो बेनजेलडी प्लस वाटर मॉलिक्यूल अब इसके कुछ यूजेज हैं हमारे पास यूजेज ऑफ एल एंड किटॉन तो पहला यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर कि दीज आर यूज एज ए सोलवेंट स्टार्टिंग मटीरियल हमारे पास एंड इज़ द रीजेंट देंथिसाइज ऑफ ए अदर प्रोडक्ट इन ए केमिकल इंडस्ट्रीज सेकेंड हमारे पास है फॉर्मेलाइन विच इज यूज इन ए फोर्टी परसेंट सोल्यूशन ऑफ ए फॉर्मेलिटी हाइड इन वाटर इज यूज इन ए प्रिजरवेटिव बायोलॉजिकल स्पीसमेंट कहाँ यूज करते हैं इसको बेसिकली बायोलॉजिकल स्पीसमेंट्स के अंदर फोर्थ पॉइंट हमारे पास है फॉर्मेलडी हाइड इज़ आल्सो यूज इन परपेयर ऑफ ए बैके लाइट कहाँ यूज़ करेंगे इसको बेसिकली बेके लाइट के लिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है एस्टेलडी हाइड इज यूज इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए एसिटिक एसिड कहाँ यूज कर रहे हैं बेसिकली इसको एसिटिक है एसिड बनाने के लिए एंड इथाइल एसीटेट एंड विनाइल एसीटेट या फिर पॉलीमर के अंदर इसका यूज़ करेंगे नेक्स्ट हमारे पास बच्चों जो टॉपिक रहेगा बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड के भी सारे आई यू पी एस सी नॉमन कलेचर रिएक्शन प्रोपरेशन करने जा रहे हैं कि कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप सी एच ओ ग्रुप अब हमारे पास क्या है सी ओ एच ग्रुप इस कोड इज ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेन क्या है इसके अंदर बेसिकली कार्बोनाइल ग्रुप इसके अंदर क्या होता है सी डबल बॉन्ड ओ अटैच टू किसके साथ अटैच होगा बेसिकली हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ तो क्या बनेगा हमारे पास कार्बोक्साइल ग्रुप बनेगा अब इसकी नॉमन क्लेचर देखिए नॉमन क्लेचर ऑफ ए कार्बोक्सलिक ग्रुप तो आई यू पी ए सी नेम ऑफ ए कार्बोक्सलिक एसिड कैन बी रिटन कैसे रिटर्न है आपने एल्केन माइनस ई सी कैंसिल होगा बच्चों अकॉर्डिंग टू दी आई यू पी ए सी नॉमन क्लेचर प्लस क्या टका दोगे ओ एक एसिड तो हमारे पास क्या बन जाएगा एल्कोनिक एसिड अब इसके अंदर पहला नंबर हमारे पास है आई यू पी सी नॉमन क्लेचर के अंदर एच सी ओ एच ये इसको खोल के लिख लेते हैं तो कार्बन वन है तो क्या लिखोगे आप इसको मीथ तो दिस इज ए मिथेनोइक एसिड और वैसे क्या लिखना है कॉमन नेम दिस इज ए फॉर्मिक एसिड सेकेंड है हमारे पास बेसिकली सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच तो इसका जो आई यू पी एस सी नॉर्मन क्लेचर होगा बेसिकली मीत ई तो क्या लिखोगे आप इसको दिस इज ए एथेनोइक एसिड यदि कॉमन नेम की बात करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा ये दिस इज ए एसिटिक एसिड अब इस केस के अंदर थर्ड हमारे पास है बेंजीन के साथ सी डबल बॉन्ड ओ एच तो हमारे पास आई यू पी क्या रहेगा वन पे फिनाइल और मिथेनोइक एसिड या फिर कॉमन नेम की बात करें तो क्या बनेगा हमारे पास पेंजोइक एसिड इसको हम बोलते हैं फोर्थ वाला हमारे पास क्या है बेंजीन के साथ सी ओ एच ग्रुप है सी ओ एच ग्रुप है वन और टू टाइम्स अब इसका आई यू पी नेम हमारे पास क्या बनेगा बेंजीन वन टू डाई कार्बोक्सलिक एसिड या फिर बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं पैथैलिक एसिड इसे कहते हैं नेक्स्ट हमारे पास सेम एज इट इज़ फिफ्थ नंबर है बच्चों तो ये पोजिशन चेंज होगी ओनली थ्री पे चलेगी तो बेंजिन वन थ्री डाई कार्बोक्सोलिक एसिड या फिर कॉमन नेम क्या लिखोगे आप इसका आइसोपैथेलिक एसिड नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स नंबर एच ओ ओ सी और यहाँ पर सी के साथ यहाँ पर बॉन्ड आ गया तो इसको आप क्या बोलोगे आई यू पी एस सी नेम हमारे पास क्या बनेगा इथेन डायोइक एसिड या फिर इसको हम क्या बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड इसका दूसरा नाम है हमारे पास कॉमन नेम नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों सेम पोजीशन चेंज होगी सेवन के अंदर पोजीशन कहाँ पर चली गई फोर पे तो क्या लिखोगे बेंजीन वन फोर डाई कार्बोक्सलिक एसिड या फिर हमारे पास क्या बन गया पैथेलिक एसिड अब इस केस के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ ए कार्बोक्सलिक एसिड की सबसे पहले बात कर लेते हैं तो हमारे पास है सी डबल बॉन्ड ओ और सी ओ एच अब इस केस में हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर रेजोनेसी शो कर रहे हैं बस ओनली डबल बोर्ड कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर पहले कहाँ पर था ऊपर था ये रेजोनेंस आप ऑलरेडी कर सकते हैं उसके बाद कि फ्रॉम दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इट इज़ क्लियर दैट कि जो हमारे पास कार्बन आइटम ऑफ ए कार्बोक्सलिक ग्रुप डू नॉट कैरी ए पॉजिटिव चार्ज तो वो कैरी नहीं करेगा किसको पॉजिटिव चार्ज को क्यों सो द इलेक्ट्रो न्यूक्लियर फाइल कैन नॉट बी अटैक ऑन दिस कार्बन जो न्यूक्लियर फाइल है वो अटैक नहीं करेगा किसके ऊपर उस कार्बन एटम के ऊपर सो so, हमारे पास बेसिकली कार्बोक्सलिक एसिड डो नॉट शो ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लाइक इज ए कार्बोनाइल कंपाउंड अब इस केस के अंदर हमारे पास मेथड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए कार्बोक्सलिक एसिड पहली है हमारे पास कि फ्रॉम ए प्राइमरी एल्कोहल एंड एलडीहाइड एल्कोहल एंड एल डी हाइड कैन बी ऑक्सीडाइज बाई यूजिंग ऑफ दी फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से यूज़ करनी है कैमेनोफोर इन ए न्यूट्रल एसिडिक और एल के लाइन क्या यूज़ करोगे इसके अंदर बेसिकली ये वाला नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है के टू सी आर टू ओ सेवन पोटासियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडिया उसके बाद है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड ऑक्साइड सी आर ओ थ्री इन एसिडिक मीडिया जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं जोन्स एजेंट अब हम क्या लेके चले इसके अंदर बेसिकली बच्चों प्राइम प्राइमरी एल्कोहल लेके चले हमारे पास आर सी एस टू ओ एच तो हमने इसके अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं के एम एन ओ फोर एच पॉजिटिव के साथ तो क्या बनेगा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड आर सी ओ एच अब यदि हम एल के अंदर हमारे पास क्या है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच के एम एन ओ एमोफो डाल देते हैं एच पॉजिटिव की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे ही हमारे पास कि एल कैन बी ऑक्सीडाइज टू ए कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज़ करेंगे यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक इज ए टोलिन रेजेंट या फिर फेलिंग रेजेंट सेकेंड हमारे पास इसके अंदर जो सेकेंड प्रोपरेशन होगी कि फ्रॉम एल्काइल बेंचिंग अब अल्काइल ग्रुप जो हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी की बात कर रहे हैं वैन अटैच टू ए बेंचिन रिंग इफ इट ऑक्सीडाइज विद ए एक्सट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हमारे पास के एम एन ओ फोर देन इज ए कार्बोक्साइल ग्रुप सी ओ एच ग्रुप इज अ टू टेक प्लेस तो ये सिंपल क्या हो जाएगा किस में टेक प्लेस हो जाएगा वो बेंजोइक एसिड के अंदर अब इसमें समझ रहे हैं आपने यदि हम ट्रसरी अल्काइल ग्रुप अटैच करते हैं बेंचिन रिंग के साथ रिमेन्स अनइफेक्टेड बाय दिस मैथड तो इसका मतलब क्या होगा देर इज़ नो रिएक्शन टेक प्लेस कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगी तो हमारे पास क्या लेके चले बेसिकली यहाँ पर इथाइल बेंजिन लेके चले तो इसके अंदर हमने क्या डाला यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब सेकेंडली हमने हाइड्रोनियम हाइड्रोनियोमाइज डाले तो डायरेक्ट ही इसमें कन्वर्ट हो गया ये बेंजोइक एसिड के अंदर अब इस केस में हम क्या लेके चले ट्रसरी एल्काइल या फिर ट्रसरी हमारे पास क्या है यहाँ पर एरोमेटिक अब इसके अंदर तो क्या होगा देर इज़ नो रिएक्शन टेक प्लेस क्यों रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगी क्योंकि ये मेथड इसको शो ही नहीं करता नेक्स्ट सेकेंड थर्ड प्रोपरेशन हमारे पास है प्रोपरेशन फ्रॉम ए एल्कीन की रिएक्शन विद ए कोल्ड डायल्यूट के एम एन ओ फोर एक्वास अब हम क्या लेके चले बच्चों यहाँ पर बेसिकली प्रोपीन लेके चले डायल्यूट क्या डाल दिया के एम एन ओ फोर जीरो डिग्री सेल्सियस पर तो हमारे पास जो ओ OH एच है वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड पोजिशन पर तो सी एस थ्री सी ओ एच और ये हमारे पास सी एस टू ओ एच सेकेंड हमारे पास यदि हम इथिन लेके चले तो क्या बन गया इथाइलिन ग्लाइकोल अब इसका बेसिकली आप समझ लीजिए कि एल्किन इन दिस रिएक्शन विद ए कोल्ड डाइल्यूट के एमेनो फोर अब दैट इज़ क्या बोलते हैं इसको हम बेसिकली बियर्स रेजेंट बोलते हैं प्रोड्यूस ए विसिनल एल्कोहल तो किसकी फॉर्मेशन आ गई हमारे पास विसिनल की एल्कोहल की विसिनल मतलब है डिफरेंट कार्बन के साथ अलग अलग ग्रुप अटैच हो जा रहा कि डी कलराइजेशन ऑफ ए के एमोफोर मतलब पिंक और हमारे पास पर्पल इज़ यूज एज ए टेस्ट फॉर ए अनसेचुरेशन अब नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड वाली की रिएक्शन रिएक्शन बेसिकली किसके साथ कर रहे हैं यहाँ पर रिएक्शन विद एसिडिक के एमोफोर या फिर हमारे पास एसिडिक के टू सी आर टू कि दीज आर ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करेंगे बेसिकली किसको एल्कीन को और किस में कन्वर्ट करेंगे कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर तो हम क्या लेके चले यहाँ पर जिस इजे हमारे पास क्या है एल्कीन किसकी प्रेजेंस में करना है हमने यहाँ पर स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में तो डायरेक्ट ही किस में चेंज कर दिया कार्बोक्सली के अंदर यदि हम क्या लेके चले सेकेंडरी लेके चले तो हमने उसमें किस में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर कीटोन के अंदर तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसको भी आपने डन करना है नेक्स्ट इसी के अंदर रिएक्शन है बेसिकली स्टायरिन तो इसको भी हम क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देते हैं कि एम पॉजिटिव की प्रेजेंस में तो डायरेक्ट ही कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बेंजोइक एसिड के अंदर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल तो ये हमारे पास कुछ और रिएक्शंस है ये भी देख लीजिए सेम रिएक्शंस रहेंगे बेसिकली तो नेक्स्ट प्रपरेशन हमारे पास है फोर प्रपरेशन की फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड अब नाइट्राइल के अंदर हम यदि पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होगा एसिड एमाइड के अंदर इसकी यदि फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो किस में चेंज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अब यदि नाइट्राइल की हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू टू कार्बोक्सिलिक एसिड आप सबसे पहले समझिए इसके अंदर हमारे पास क्या है इथेन नाइट्राइल सी एस थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड एन तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमारे पास किस में चेंज हो गया बेसिकली बच्चों यहाँ पर क्या कर दी रिडक्शन अब रिडक्शन करने का मतलब है सी डबल बॉन्ड हो एन एच टू तो ये अमाइड के अंदर चेंज हो गया दिस इज ए इथेन अमाइड अब इसकी यदि फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो डायरेक्ट ही किस में चेंज हो जाएगा एसिटिक एसिड के अंदर या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर यदि कंप्लीट करते हैं तो डायरेक्ट ये कि स्टेप के अंदर ये रिएक्शन अक्कर हो जाती है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कन्वर्जन में पूछी जाती है कि नाइट्राइल ग्रुप को चेंज कीजिए किसके अंदर कार्बोक्सिलिक के अंदर तो पहले पार्सल हाइड्रोलिसिस करोगे आप फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस वंस अगेन करोगे नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ नंबर फ्रॉम ए ग्रीक नार्ट रेजेंट अब ग्रीक नार्ट रेजेंट ऑलरेडी आप जानते ही हैं आर एम जी एक्स तो हमारे पास क्या है ब्रोमो ब्रोमोबेंजिन अब ब्रोमो ब्रोमोबेंजिन के अंदर हमने क्या डाल दिया मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर तो मैग्नीशियम किसके साथ आ जाएगा बेंजीन के साथ तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अब इसको हमने फर्स्ट स्टेप क्या दे दिया यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर दी तो डायरेक्ट ही कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बेंजोइक एसिड के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी एग्जाम्स के लिए अब इसके अंदर देखिए ध्यान से कि इन दिस रिएक्शन सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज कि विच इज़ नोन एज ए ड्राई आइस उसको हम क्या बोलेंगे बेसिकली ड्राई आइस अब इसके अंदर सिक्स नंबर कि फ्रॉम एसाइल हेलाइड और एसिड एसिटिक एन हाइड्राइड अब इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी तो फर्स्ट हमारे पास रिएक्शन है बेसिकली एसिटाइल क्लोराइड की इस केस में हम क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पर एसाइल हेलाइड लेके चल रहे हैं तो इसकी हाइड्रोलिसिस करते तो डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू ए बेंजोइक एसिड या फिर आप रइल ग्रुप ले लीजिए एसाइल ग्रुप ले लीजिए तो इतना ही याद रखना है आपने कि जब आपने एसाइल हेलाइड लिया उसकी हाइड्रोलिसिस की तो किस में चेंज हो गया बेसिकली ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अब ऐसे ही हम क्या लेके चले इसको फर्दर खोल के मैंने लिखा है इसी एक्शन को इसके अकॉर्डिंग एक। देख लीजिए अब यहाँ पर हम क्या लेके चले एसिटिक एंड हाइड्राइड तो एसिटिक एंड हाइड्राइड का फार्मूला हमारे पास सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ हो सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री या इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं अब यदि इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेंगे दो ग्रुप ऑफ ए इथेनोइक एसिड के या फिर एसिटिक एसिड के नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है बेसिकली कि फ्रॉम एस्टर एस्टर से रिएक्शन बनानी है कि एसिडिक हाइड्रोलिस ऑफ ए एस्टर गिव डायरेक्टली कार्बोक्सोलिक एसिड तो क्या देगा डायरेक्ट ही कार्बोक्सोलिक एसिड देगा वाइल हमारे पास बेसिक हाइड्रोलिस गिव इज ए कार्बोक्सोलेट कार्बोक्सोलेटाइंस तो हम क्या लेके चले बेसिकली बच्चों यहाँ पर एस्टर ग्रुप लेके चले दिस इज एथाइल और ये हमारे पास क्या बन गया बेंजोइट अब इसकी यदि हम क्या कर देते हैं एस थ्री और पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ से इथाइल ग्रुप बाहर निकल जाएगा और उसको फर्दर क्या मिल जाएगा एक कैच तो दिस इज ए बेंजोइक एसिड प्लस क्या निकल गया हमारे पास इथेनॉल सेम एज इट इज यहाँ पर हमारे पास है मिथाइल इथेनॉइट तो सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड हो ओ सी एस थ्री अब इसकी वाटर की प्रेजेंस में यदि रिएक्शन कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ से सी एस थ्री ओ एच निकलेगा और ये कैच इसके पास चला जाएगा तो इथेनोइक एसिड प्लस क्या निकल गया मिथेनॉल अब यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली इसकी तो देखिए वन बाय वन कि एलिफेटिक कार्बोक्सलिक एसिड अप टू नाइन कार्बन एटम आर कलरलेस ये बेसिकली क्या होते हैं कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर वेयर इज ए हाइयर मेंबर क्या होंगे बेसिकली वैक्स लाइट सॉलिड होंगे कि ड्यू टू इंक्रीज इन ए वंडर वॉल इंट्रैक्शन तो क्योंकि उनकी वंडर वंडरवाल इंट्रैक्शन क्या होगी बेसिकली इंक्रीज़ होगी सेकेंड हमारे पास कि कार्बोक्सोलिक एसिड हैव हैवे हायर बोलिंग पॉइंट देन ऑफ ए एल्डिहाइड कि जो कार्बोक्सलिक एसिड होते हैं बेसिकली पॉइंट ज़्यादा होगा किससे एल्डिहाइड से तो इसका रीजन क्या होगा बेसिकली बिकॉज द मॉलिक्यूल ऑफ ए कार्बोक्सलिक एसिड फॉर्म इज ए स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग जो कार्बोक्सलिक है बेसिकली वो स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड शो करता है बट जो कार्बोन हमारे पास बेसिकली जिसमें एल्डिहाइड और किटोन की बात कर रहे हैं फॉर्म इज़ ए वीक डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन वो बेसिकली क्या शो करेंगे वीक डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन थर्ड हमारे पास है कार्बोक्सलिक एसिड हैव ए हायर बोलिंग पॉइंट देन ऑफ ए एल्कोहल कि जो कार्बोक्सलिक एसिड है उसका बोलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी एल्कोहल तो इसका रीजन हमारे पास यहाँ पर है आर सी एच टू ओ एच और यहाँ पर हमारे पास है आर सी डबल बॉन्ड ओ और एच अब इस केस में देखिए हमारे पास सबसे बड़ा रीजन क्या होगा कि जो कार्बोक्सलिक ग्रुप है उसके साथ दो ऑक्सीजन ऐटम है और ये हमारे पास इस केस में ओनली क्या है एल्कोहल के केस में वन ऑक्सीजन आइटम तो इस केस में जो आर है हमारे पास प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा तो इससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलते हैं और ये हमारे पास जो ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड की पुलरिटी होगी दिस इज ए लो प्लेरिटी मतलब वीक बॉन्ड होगा बट इन केसों पर हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन तो दिस इज ए इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप होगा यहाँ से ये ऑक्सीजन वाला तो इसकी जो पोलैरिटी होगी वो स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग शो करेगी एज कम्पेयर टू दी एल्कोहल तो ये मैंने रीजन नीचे लिख भी दिया कि पोलैरिटी ऑफ एच बॉन्ड डायरेक्टली प्रपोशनल टू दी माइनस इंडक्टिव इफेक्ट और इनवर्सली प्रपोर्सनल टू प्लस इंडक्टिव इफेक्ट नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फोर पॉइंट इसके अंदर कि कार्बोक्सलिक एसिड अप टू फोर कार्बन एटम आर सोलेबल इन वाटर ये चार कहाँ तक है सोलेबल पानी के अंदर कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए एच बॉन्ड बिटवीन दैम तो इसके बीच में क्या बनते हैं एच बॉन्ड बनते हैं हाउ एवर हाइयर मेंबर आर इमीजेबल ड्यू टू इंक्रीज इन दी हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ ए हाइड्रोफोबिक इन नेचर तो सिंपल वही चीज़ है कि जो हाइयर मेंबर होंगे बेसिकली वो इमीजेबल होंगे पानी के अंदर सोलेबल नहीं होंगे ड्यू टू इंक्रीज इन दी हाइड्रोकार्बन पार्ट विच इज ए हाइड्रोफोबिक इन नेचर नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पॉइंट कि कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज किसकी तरह एग्जिस्ट करता है बेसिकली ये डाइमर इन ए नॉन पोलर सोल सोलवेंट सच एज जे बेंजिन और सी सी एल फोर जो हमारे पास ये क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये भी क्या है कार्बोक्सिलिक तो यहाँ पर ये बॉन्डिंग शो कर रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं बिस इज ए डाइमर फॉर्म डाइमर का मतलब है नॉन पोलर सोलेंट सोलवेंट है सच यह बेंजिन और सी सी एल फोर नेक्स्ट हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर कि केमिकल रिएक्शन एसिडिक नेचर ऑफ ए कार्बोक्सुलिक एसिड फैली है हमारे पास रिएक्शन विद मेटल अब इसकी हमने रिएक्शन करनी है बेसिकली किसके साथ मेटल के तो हम क्या लेके चले बेसिकली इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद इन ए मेटल तो यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और मेटल यहाँ पर अटैच हो जाएगा तो हमारे पास क्या बन गया सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और ये हमारे पास वो नेगेटिव और एन ए पॉजिटिव और हाइड्रोजन कि दिस रिएक्शन ए कार्बोक्सिलिक एसिड आर रहे एसिडिक इन नेचर दिस रिएक्शन इज आल्सो सोन बाय अल्कोहल एंड फिनॉल ये बेसिकली अल्कोहल और फिनॉल के अंदर भी रिएक्शन अक्कर होती है सेकेंड हमारे पास रिएक्शन विद एल्कोलीस एल्कोज हमारे पास एन यू एच और के एच तो हम क्या लेके चले इथेनोइ एसिड प्लस एन यू एच तो यहाँ से हमारे पास एच रिप्लेस करेगा यहाँ से बेसिकली एन ए रिप्लेस करेगा एच को और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और ये हमारे पास क्या बन गया सोडियम इथेनोइट अब दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कन्फर्म एसिडिक नेचर ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड दिस टाइप ऑफ ए रिएक्शन बेसिकली ये रिएक्शन भी आपको कहाँ पर दिखाई देगी फिनोल के अंदर बट नॉट इन एल्कोहल बट एल्कोहल के अंदर नहीं होगी अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वाली कि रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट अब हमारे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट ये हमारे पास क्या है सोडियम कार्बोनेट इथेनोइक एसिड की रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या निकलेगा इस रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनेगा सोडियम इथेनोइट सोडियम इथेनोइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल गया कि द रिएक्शन सोस दैट इन कार्बोक्सलिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर कि जो कार्बोक्सलिक एसिड है बेसिकली वो क्या है एसिडिक इन नेचर कि सच रिएक्शन आर नॉट सोन बाय ए फिनोल एंड एल्कोहल ये रिएक्शन बेसिकली ना तो आपको फिनोल के केस में दिखाई देगी ना ही आपको एल्कोहल के केस में उसके बाद है हमारे पास कंपेयरिंग द एसिडिक नेचर ऑफ ए कार्बोक्सलिक एसिड एंड फिनोल अब इस केस में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रेडी होता है कि बीइंग एसिडिक इक एसिड शुड बी रिलीज एच पॉजिटिव आइंस जो कार्बोक्सोलिक एसिड है वो एच पॉजिटिव आइंस को रिलीज कर देता है तो हमारे पास क्या बनेगा कार्बोक्सोलेट आइंस तो ये क्या बन गया कार्बोक्सोलेट कार्बोक्सोलेटाइंस अब इसका बेसिकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लीजिए हमारे पास कि कार्बोक्सोलिक एसिड का क्या है सी डबल बॉन्ड ओ और उसके साथ ऑक्सीजन और क्या है बेसिकली एच तो यहाँ से हम H को रिप्लेस कर देते हैं तो रिप्लेस करने से हमारे पास ऑक्सीजन सेम एज इट इज़ रेजोनेंस अब रेजोनेंस ऑलरेडी आप बना सकते हो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा ब्रेक होने से यहाँ पर ऑक्सीजन को क्या मिल गई दो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज आ गया तो इस केस में ये वाला ऑक्सीजन ने क्या किया यूटिलाइज़ किया किसके लिए डबल बॉन्ड के लिए तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आ गया पॉजिटिव यदि फर्दर हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो इसको वापस क्या मिलेंगे ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे इसके इसके अंदर तो इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पे कार्बोक्साइल ग्रुप तो देख लीजिए बेसिकली रेजोनेटिंग स्टक्चर ओ पे कार्बोक्सुलेट आइन्स तो ये सेम एज इट इज रहेगा हमारे पास अब इसकी जो हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देखिए है कि कार्बोक्सुलेट आइन्स इज ए मोर स्टेबल एज इन ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देर इज ए नेगेटिव चार्ज होनेटिव चार्ज किसके ऊपर है ऑक्सीजन ऐटम के ऊपर हाउ एवर इन द प्रेजेंस ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज और एक्सीजन ऐटम इन वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए कार्बोक्साइल ग्रुप इस मेक इज ए अनस्टेबल वो क्या बना देता है उसको बेसिकली अनस्टेबल अब इसके अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हैंस इज ए कार्बोक्सोलिक एसिड विल टेंड टू रिलीज जो कार्बोक्सलिक एसिड ने एच पॉजिटिव आइंस को रिलीज किया गेट इज चेंज टू दी स्टेबल कार्बोक्सोलेट आइंस मीन्स लाइक इज ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये भी फर्दर क्या कर रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो कर रहा है कि दिस इज कन्फर्म एसिडिक नेचर ऑफ ए कार्बोक्सुलिक एसिड तो यहां से हमें क्या मिली कार्बोक्सलिक एसिड acid की एसिडिक नेचर शो हो गई अब यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे किसका फिनोल का कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए फिनोक्साइड आयंस तो ये फिनोक्साइड आयंस की हमारे पास रेजोनेंस है ऑलरेडी आप जानती हैं कि कार्बोक्सुलिक एसिड इज ए मोर एसिडिक देन ऑफ ए फिनोल बिकॉज द टू रीजन दो रीजन क्या रहेंगे बेसिकली वो रीजन देखिए आप नंबर वन कि इन ए कार्बोक्सोलेट आयंस नेगेटिव चार्ज इज एट ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इन बोथ ऑफ ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या था बेसिकली कार्बो पर क्या था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम थी अब इसके हाउ एवर इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए फिनोक्साइड आयंस इज ए चार्ज इज ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ए कार्बन एटम ये पहला पॉइंट रहेगा सेकेंड हमारे पास कि इन ए कार्बोक्सोलेट आयंस नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा ऑफ ए टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ऐटम हमारे पास क्या है बेसिकली दो ऑक्सीजन एटम हैं किस केस के अंदर कार्बोक्सिलिक के अंदर कि हाव एवर इन ए फिनोक्साइड आयंस इट इज डीलोकलाइज ओवर वन हाइड्रोजन एटम यहाँ पर बेसिकली क्या होगा उसके अंदर एक हाइड्रोजन एटम और एक ही क्या है उसके अंदर हमारे पास बेसिकली ऑक्सीजन एटम ऑन ए थ्री लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम अब इस केस में एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंडक्टिव इफेक्ट और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस इफेक्ट अब नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर है बेसिकली रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ ए सी ओ एच बॉन्ड पहला है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ए एनहाइड्राइड अब कार्बोक्सोलिक एसिड ऑन हीटिंग विद कार्बोक्सलिक एसिड को किसके साथ हीट कर रहे हैं मिनरल एसिड सच एज ए सल्फ्यूरिक एसिड और उसके बाद हमारे पास पी टू ओ फाइव गिव ए कोरसबोंडिंग क्या दे रहा है हमारे पास एन हाइड्राइड तो हम किन क्या लिया बेसिकली बच्चों दो ग्रुप लिए दो मॉलिक्यूल्स किसके लिए इथेनोइ एसिड के सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच हमने सेम दो यहाँ पर क्या लिए मॉलिक्यूल्स अब इसको हमने एच पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करी तो यहाँ से हमारे पास ओ OH और ये एच तो ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो हमारे पास क्या बन गया दिस इज ए इथेनोइक एन हाइड्राइड यहाँ से फॉर्मेशन आ गई सेकेंड हमारे पास है एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन सेकेंड वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली ये भी कि कार्बोक्सोलिक एसिड गिव इज़ ए स्वीट स्मेलिंग एस्टर ऑन ए ट्रीटमेंट विद किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं बेसिकली एल्कोहल के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कंसन ट्रेटेड एस टू एस ओ होज ए कैटलिस्ट तो हमने क्या लिया कार्बोक्सिलिक एसिड उसके अंदर क्या डाल दिए यहाँ पर एल्कोहल एच पॉजिटिव आयस के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से एच और ये ओ OH एच रिप्लेस हो गया तो आर डे बन गया सो दिस इज ए एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद पी सी एल फाइव पी सी एल थ्री और एस ओ सी एल टू कि दीज आर द रिजेंट कन्वर्ट कन्वर्ट करेंगे बेसिकली ओ एच ग्रुप को किस में हमारे पास सी एल ग्रुप के अंदर एंड एसिड क्लोराइड आर फाउंड बेसिकली क्या बनेंगे एसिड क्लोराइड की फॉर्मेशन आएगी जो आप लोग ऑलरेडी ईयर चैप्टर में कर चुके हैं तो हमारे पास देख लीजिए पहली रिएक्शन किसकी है कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस पी सी एल फाइव तो क्या बनेगा आर सी ओ सी एल प्लस पी ओ सी एल थ्री प्लस एस सी एल ऐसे ही हमने क्या लिया यहाँ पर आर सी ओ एच ग्रुप प्लस पी सी एल थ्री तो क्या बनेगा आर सी ओ सी एल प्लस एस थ्री पी ओ थ्री सेम एजिटीज थोनोलक्लोराइड के साथ करते हैं तो क्या बनेगा आर सी ओ सी एल प्लस एस ओ टू गैस प्लस एच सी एल गैस बाहर निकल जाएगी नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद अमोनिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुकी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया टू तो गिव इज ए अमोनियम साल्ट कि विच इज़ ऑन फर्दर हीटिंग एट ए हाई टेम्परेचर गिव इज़ ए अमाइड तो क्या किसकी फॉर्मेशन देगा बेसिकली एमाइड की तो हम क्या लेके चले यहाँ पर इथेनोइक एसिड इसमें हमने क्या डाला अमोनिया अब यहाँ से हमारे पास अमोनिया अटैच हो गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिस इज ए अमोनियम एसीटेट यस ये इसको फर्दर हीट कर देते हैं तो हीट करने से हमारे पास क्या निकलेगा यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन तो सी एस थ्री सी ओ एन एच टू तो ये हमारे पास क्या बन गया दिस इज ए अमाइड ग्रुप तो एसिटेन एमाइड क्योंकि कार्बन दो हैं तो क्या लिखोगे एसिटेन एमाइड नेक्स्ट हमारे पास यदि बेंजोइक एसिड के अंदर आपने क्या डाल दिया यहाँ पर बच्चों अमोनिया तो इस केस में फर्दर रिएक्शन यदि करते हैं हमारे पास तो क्या बनेगा यहाँ पर अमोनियम बेनजोइट बनेगा मतलब एनएच थ्री भी इसके साथ अटैच हो जाएगा तो ये हमारे पास सी ओ नेगेटिव और एन एच फोर पॉजिटिव यदि इसको फर्दर हीट करते हैं तो यहाँ से एच टू और यहाँ से ऑक्सीजन तो हमारे पास क्या बन गया बेंजे एमाइड नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो हम क्या लेके चले यहाँ पर बेंजीन वन टू ये क्या बन गया डाई ओइक एसिड अब इसमें अमोनिया डाला तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर दो मॉलिक्यूल डालोगे तो सी ओ नेगेटिव एनएच फोर पॉजिटिव तो दिस इज अमोनियम पैथलेट अब इसको फर्दर हीट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकले वाटर यहाँ से निकले तो बेंजीन के ऊपर सी ओ सी एस थ्री सी ओ और सी ओ एन एस टू और सी ओ एन एस टू दिस इज ए पैथले एमाइड अब यदि इसको हम फर्दर क्या कर देते हैं स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर देते हैं और यहाँ से क्या निकलेगा हमारे पास अमोनिया मतलब अमोनिया एन एच थ्री यहाँ से निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बन गया ये दिस इज ए पैथले इमाइड ये स्ट्रक्चर किसकी रहेगी पैथले इमाइड की काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन इन्वॉल्विंग द सी ओ एच ग्रुप पहला है रिडक्शन कि कार्बोक्सुलिक एसिड आर रिड्यूस टू जो कार्बोक्सुलिक एसिड बेसिकली ये किसको रिड्यूस करेगा प्राइमरी एल्कोहल बाई यूजिंग ए रड्यूसिंग एजेंट लाइक इज ए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये हमारे पास एक स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट है या फिर डाईबोरेन B2H6. टू एच सिक्स आप कार्बोक्सोलिक एसिड के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट डाल देते हैं तो डायरेक्ट ही क्या बनेगा हमारे पास एल्कोहल आर सी एच टू ओ एच या सोडियम बोरोन हाइड्राइड को हम यूज़ नहीं करते बेसिकली याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोडियम बोरोन हाइड्राइड डज नॉट या फिर डज नॉट रिड्यूज़ कार्बोक्सोलिक ग्रुप नेक्स्ट हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी कि द रिएक्शन विच इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ए डी कार्बोक्सीन रिएक्शन पहला हमारे पास इसके अंदर है कोलबे इलेक्ट्रोलिस रिएक्शन अब ऑल एल्कली मेटल ऑफ ए कार्बोक्सिल एसिड अंडर गो ए डी कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होना ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एक्वा सोल्यूशन एंड फॉर्म इज ए हाइड्रोकार्बन हैविंग ए ट द नंबर ऑफ ए कार्बन एटम प्रजेंट इन दी अल्काइल ग्रुप अब इस केस में देखिए बच्चों यहाँ से समझना है आपने आर ग्रुप चेंज किस में चेंज करना है टू आर आर के अंदर मतलब दोनों अल्काइल ग्रुप के अंदर तो हम यहाँ पर क्या लेके चले सोडियम दिस इज ए हमारे पास इथेनॉइड टू मोलिक्यूल्स लेके चलेंगे टू मोलिक्यूल वाटर के अब इस केस में हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर देखिए इस केस के अंदर क्या बनेगा सी एस थ्री सी एस थ्री टू टाइम्स तो एल्केन की फॉर्मेशन आ गई ठीक है ना प्लस क्या निकल रहा है सी ओ टू यहाँ से हमारे पास सी ओ टू निकल गया टू टाइम्स प्लस क्या निकल गया टू एन ए और यहाँ से ओ एच प्लस हाइड्रोजन गैस तो ये हमारे पास हाइड्रोजन कहाँ पर जाएगी कैथोड के ऊपर और सीओ टू गैस कहाँ पर जाएगी हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर एनोड के पास तो एल्केन की फॉर्मेशन आ गई सेकेंड हमारे पास इसी के अंदर है यूजिंग सोडा लाइम अब इसके अंदर कि कार्बोक्सलिक एसिड लूज सीओ टू अब ये लूज किसको कर रहा है सीओ टू को टू फॉर्म इज ए हाइड्रोकार्बन की विच देयर सोडियम साल्ट आर हीटेड विद ए सोडियम साल्ट अब देखिए इस केस में आर पार्ट को चेंज कर रहे हैं किसके साथ बेसिकली आर एच के अंदर चेंज कर रहे हैं तो हम सोडियम क्या लेके चले इथेनॉइड एन यू एच की प्रेजेंस में करते हैं सोडा लाइम जिसे हम बेसिकली बोलेंगे तो किस रेशो में हुआ थ्री रेशो वन के अंदर तो क्या निकलेगा एन ए टू और सी ओ थ्री प्लस क्या निकल गया मिथेन की फॉर्मेशन तो इसके अंदर हमारे पास जो सोडा लाइम है किस रेशो में लेना है आपने यहाँ पर थ्री रेशो वन के अंदर एम सी के क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट हमारे पास डी कार्बो डी कार्बोक्सीलेशन ऑफ ए सिल्वर साल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक साल्ट एंड एसिड इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ब्रोमाइन अब इस रिएक्शन का नाम हमारे पास नेम रिएक्शन है हास् डिकर रिएक्शन तो इथेनोइक एसिड लेके चले पहला हमने क्या डाल दिया इसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट तो हमारे पास क्या बनेगा सिल्वर इथेनोइट बनेगा इसके अंदर यदि हम बी आर टू और सी सी एल फोर डालते हैं तो हमारे पास सी एस थ्री और इसके साथ बी आर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ए जी बी आर यहाँ से निकल जाता है नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली ये भी सब्सिट्यूशन रिएक्शन इन दी हाइड्रोकार्बन पार्ट तो इसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले हेलोजी जिसका नाम है हमारे पास हेल वोलाड जेलेंस की रिएक्शन एच वी जेड रिएक्शन अब इसके अंदर एट लीस्ट क्या होना चाहिए कि इन दिस रिएक्शन कार्बोक्सलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट विद किसके साथ रिएक्ट कराना है आपने क्लोरिन और ब्रोमिन इन दी प्रेजेंस ऑफ ए रेड फॉसफोर्स टू गिव इज ए अल्फा हेलो कार्बोक्सलिक एसिड तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप उसके नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होगा अल्फ़ा तो आप इसमें क्या डालोगे यहाँ पर क्लोरीन डालोगे या फिर ब्रोमिन इन दी प्रेजेंस ऑफ ए रेड फॉसफोर्स सेकेंड स्टेप में हमारे पास वाटर मोलिक्यूल तो क्या बनेगा सी एच टू यहाँ से क्या निकल गया एक एच और एच बाहर गया तो यहाँ पर सी लग गया तो ये हमारे पास क्या बन गया दिस इज ए क्लोरो एसिटिक एसिड अब सेकेंड स्टेप में कब तक रिएक्शन प्रोसीड करोगे जब तक ये हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होते और यहाँ पर क्या लगता चला जाएगा आपके पास सी तो ये हमारे पास सेकेंडरी बन गया इस केस के अंदर ऐसे ही हमारे पास ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड बन गया तो इसका रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एच नेक्स्ट है हमारे पास रिंग सब्सिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है कि एरोमेटिक कार्बोक्सलिक एसिड माइनस आर कि अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन इन विच द कार्बोक्साइल ग्रुप एक्ट एज ए डीएक्टिवेटिंग डीएक्टिवेट करेगा बेसिकली बंजीनिंग को और पोजिशन कहाँ पर जाएगी मेटा के ऊपर कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो ए फ्रीडल क्राफ्ट तो ये याद रखना आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है अंडरगोस नहीं करेगा किसको फ्रीडल क्राफ्ट को अब इसका रीजन क्या होगा बेसिकली बिकॉज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप डीएक्टिवेटिंग एंड द कैटलिस्ट ओनली कैटलिस्ट कौन सा यूज करना है बेसिकली इसके अंदर एंड हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब ए एल सी एल थ्री लूइस एसिड जिसे हम कहते हैं गेट बॉन्डेड टू ए कार्बोक्सोक ग्रुप एंड इस फॉर्म इज ए कॉम्प्लेक्स तो बेंजोइक एसिड लेके चले कंसनटेड एस टू एस ओ फोर डाला एच एन ओ थ्री तो हमारे पास क्या बना जो एनओ की टू की पोजिशन कहाँ पर आएगी मेटा पे तो मेटा नाइट्रो क्या बन गया बेंजोइक एसिड ऐसे ही हम बेंजोइक एसिड लेके चले बी आर टू एफ ई बी आर थ्री डाल दिया तो इसकी पोजिशन भी कहाँ पर जाएगी बेसिकली मेटा पोजिशन के ऊपर अब यूजिज ऑफ ए कार्बोक्सनिक एसिड देख लीजिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली यदि बात करें तो पहला हमारे पास है फॉर्मिक एसिड इज यूज इन ए रबर एंड टेक्सटाइल डाइंग लेदर्स एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ करते हैं सेकेंड हमारे पास एसिटिक एसिड इज यूज एज ए सोलवेंट इन ए फूड इंडस्ट्रीज इट इज़ इन एक्वा सोल्यूशन यूज इन ए विनेगर उसके बाद हमारे पास थर्ड वाला है एडिपिक एसिड इज यूज इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए नाइलॉन सिक्स सिक्स के अंदर यूज़ किया जाता है फोर्थ पॉइंट एस्ट्रो ऑफ ए बैनजोइक एसिड आर यूज इन दी परफ्यूमरीज के अंदर यूज़ करते हैं नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम बैनजोइट इज यूज इन दी फूड प्रजर्वेटिव के अंदर यूज किया जाता है एंड नेक्स्ट इज ए हायर फैटी एसिड आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए सोप एंड डिटर्जेंट के अंदर इसका बेसिकली यूज़ होता है नेक्स्ट हमारे पास कुछ डिटेक्शन है बेसिकली बच्चों ये भी देखने आपने पहला हमारे पास है डिटेक्शन ऑफ एल डी हाइड एंड किटोन कि एल डी हाइड एंड कीटोन फॉर्म ए येलो ऑरेंज रेड कलर कंपाउंड विद ए टू डी एन पी मतलब टू हमारे पास क्या था डाई नाइट्रो और उसके बाद फिनाइल हाइड्रोजिन सेकेंड हमारे पास एल डी हाइड और किटॉन रिएक्ट विद ए सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टू फॉर्म इज ए सॉलिड क्या बनाएगा हमारे पास क्रिस्टल सॉलिड की फॉर्मेशन देगा यहाँ से नेक्स्ट है इसके अंदर बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन एल डी हाइड एंड किटोन एल डी हाइड गिव्स इज ए सिल्वर मीर टेस्ट और ए टोलेंट टेस्ट बट इज ए कीटोन ये फॉर्मेशन नहीं देता ये टेस्ट नहीं शो करता नेक्स्ट है हमारे पास डिटेक्शन ऑफ ए कार्बोक्सलिक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट टेस्ट कार्बोक्सलिक एसिड वैन रिएक्ट विद इज ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड गया होगी इसके अंदर बेसिकली रिलीज होगी विद ए ब्रिक एफ्रीसेंस नेक्स्ट इसी के अंदर है बेसिकली एक एस्टर टेस्ट ऑन रिएक्टिंग ए कार्बोक्सलिक एसिड विद एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ए फ्यू ड्रॉप ऑफ ए कंसनट्रेटेड एस टू फोर ए प्लेजेंट स्मेल फ्रोटी कंपाउंड इज नॉन इन दी फॉर्म तो ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट थे जो आपके लिए थे